आज के दिन 23 सितंबर को बाबा साहब जूते खाकर, डंडे खाकर, गाली खाकर, धक्के खाकर, बेइज्जती खाकर और कमेटी बाग में खूब दहाड़ दहाड़ के रोकर, सुबह सुबह के रोके और पूरी स्थिति को समझते हुए रात के 9 बजे 26 साल का वो यंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसका सोच अभी डेवलप होना था, वो उस रेल में बैठ गए और सारी दुनिया भर की जो निगेटिव एनर्जी जो उनको दुनिया ने, जमाने ने दी, इतने पढ़े लिखे, इतने बढ़िया आदमी को, इतने अच्छे लड़के को, इतने अच्छे जानकार को, जो कबीर का जानने वाला था, जो कबीर से सीखता था, जिसका कबीर एक प्रेरणा स्रोत था, तो वो जब ट्रेन में वापस हुए तो उनकी घर वापसी हुई और घर वापसी में जाते समय उन्होंने अपने ऋण को मुक्त करा लिया। जो बड़ौदा के महाराज थे उनसे रिक्वेस्ट कर कर के, महाराज मैं अब आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा, 10 साल आपकी नौकरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो मुझे कोई नौकरी नहीं करने देता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे ऋण मुक्त कर दें। जो आपने 3 साल तक लगातार मुझे 15 पाउंड महीने के दिए हैं, उससे मुझे माफ कर दें। शायद जो बड़ौदा के महाराज थे बहुत ज्यादा समझदार थे, जानकार थे, परिस्थिति जानते थे, उन्होंने ऋण मुक्त कर दिया। बाबा साहब ऋण मुक्त होके मन से फ्री हो गए, क्योंकि अब महाराजा का ऋण नहीं था, माफी मांग ली, माफ हो गया। तो हमारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। कैसे कैसे भाषण देते हैं जरा ध्यान से सुनना, आपने बड़े सुने होंगे। बाबा साहब का हम पर ऋण है, बाबा साहब का हम पे कर्ज है, अगर हम अपने खाल की जूती बनाकर भी बाबा साहब के पैरों में पड़ाए तो भी ये ऋण नहीं उतर सकता। अगर हम अपना ऐसा भी करते हैं, घर मकान बेच दें और सब कुछ भी अगर हम छोड़ दें तो भी बाबा साहब का ऋण नहीं उतर सकता। और भाई ऋण उतारने के ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि हम तो उनके जीवन भर ऋणी रहेंगे, ये कर्ज जीवन भर नहीं उतर सकता, हमारी औलाद भी इस ऋण को नहीं उतार सकती। इतना खूबसूरत बहाना, इतना इमोशनल बहाना, ऐसे ऐसे बहाने गढ़ते हैं लोग के ऋण नहीं उतर सकता। अरे भाई ऋण उतारोगे तो उतरेगा ना। बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम ऋण मत उतारना? बाबा साहब ने कहा कब कहा था कि ऋण लेके बैठे रहना? जब बाबा साहब का ऋण है तो उसे उतार के जाओ ना मरने से पहले। तो बाबा साहब का काम करोगे तो बाबा साहब का ऋण उतरेगा ना। तो ये बहाना क्यों बनाते हो कि हम तो पूरे जीवन में नहीं उतार सकते? कोशिश तो करो, इसी जीवन में उतर जाएगा, थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ, अभी उतर जाएगा। ये जितने लोग बाबा साहब का काम कर रहे हैं सच्चे मन से और उनकी बात पूरी तरह से मान रहे हैं, ये उनका ऋण उतार रहे हैं। और बहुत सारे लोग इस जीवन में ऋण को उतार के जाते हैं और मुक्त होके जाते हैं कि बाबा साहब हमने आपका ऋण उतारा है, पूरे मन से उतारा है, पूरे वचन से उतारा है, पूरे कम से उतारा है, तन मन धन से उतारा है, और हम दिन रात लगे रहे हैं, हम आपका ऋण लेके नहीं जा रहे हैं। वो लोग निकम्मे होंगे, वो लोग बेकार होंगे, वो लोग ऋणी होंगे जो बाबा साहब का काम नहीं करते होंगे। तो जब हम मरेंगे और हमारे जैसे लोग मरेंगे और जो ऋण उतार के जाते हैं तो उनको बड़ी शांति होगी, क्योंकि जो अंतिम पड़ाव होता है जीवन में, अगर उसमें मन में उथल पुथल रहे तो वो आदमी बेचैन रहता है, बीमार रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उस पे अपने महापुरुषों का ऋण होता है। तो ऋण उतारना चाहिए। तो ऋण उतारने के लिए बुद्ध जैसे लोग अपनी माँ को मरने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने देखा जाना तो उनका ऋण उतारा, माँ बाप को विपस्सना सिखाई उनका ऋण उतारा, अपनी पत्नी को विपस्सना सिखाई उसका ऋण उतारा, अपने बेटे का ऋण उतारा, उन्होंने सारे ऋण जीवन में उतार दिए, सबको दिखा दे के, सबको दीक्षा दे के, सबको विपस्सना सिखा के, सबको धम्म सिखा के, और सभी का उतारा। जब एक बुद्ध जैसा व्यक्ति अपना ऋण जीवन में उतार सकता है तो आप तो साधारण व्यक्ति हो, आपको क्या दिक्कत आई है? जो बाबा साहब ने कहा है, आपसे क्या कहा है बाबा साहब ने कि आपको समाज को जगाना है, इकट्ठा करना है, शिक्षित करना है और संघर्ष करना है, बस इतना ही तो काम बताया है। और कौन सा आपसे आपकी जान मांग ली है, और कौन से आपका घर मांग लिया है, और कौन से आपके पैसे मांग लिए हैं, और कौन सा आपसे ये कह दिया है कि अब आप बर्बाद हो जाओगे? तो ऋण उतारो भाई, बहाना मत करो। जब मंच पे कोई आदमी ये बोले कि बाबा साहब हम तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते, हमने आपका ऋणी बना दिया, तो उसको वही गलेवान खींच के बोलना चाहिए कि तू ऋण उतार, तू बाबा साहब का ऋण लेके मत जा, या फिर इसको बोलना बंद कर। क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि जो कारमा मैं छोड़ के जा रहा हूं वो आगे बढ़ाना है, इसी को तो ऋण उतारना बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं कि कर्ज उतारना बाबा साहब का। और कौन सा कर्ज है? कौन सा बाबा साहब के खाते में पैसे जमा करने जा रहे हो? कौन सा बाबा साहब के लिए हवेली खरीदने जा रहे हो? तो चले गए। तो ऋण उतार के हमको मरना चाहिए, और जो ऋण उतार के नहीं मर रहे हैं उनको कहना चाहिए ये भी एक काम है बाबा साहब का,
क्योंकि जगाने का मतलब खाली ये नहीं होता कि हमने किसी से कह दिया कि बाबा साहब का काम है और वो नहीं कर रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कहते। हमको बार बार कहना चाहिए, बार बार ऐसे निकम्मे लोगों को बोलना चाहिए कि तुम भैया बाबा साहब की रोटी खाए हो तो उसका ऋण उतारो, और यही उतारो, ये बहाना मत बनाओ। क्योंकि बाबा साहब अगर आज हम सबको इस लायक नहीं बनाते कि हम उनका ऋण उतार सकते हैं तो हम जानवर ही होते, हम ऋण उतारने की स्थिति में भी नहीं होते। इसलिए अगर आपने बाबा साहब का ऋण उतार दिया है तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छा अंत आपका रहेगा और आपके बच्चे जीवन में सुखी रहेंगे, क्योंकि आपने कोई ऋण लेके नहीं जा रहे हैं। किसी का 10,000 रुपया ले लिया आपने और वो उधार ले लिया और वो पड़ा रहा तो मरते समय दिक्कत आती है, आंखें नीची रहती हैं जब भी वो मिलता है। आपके बच्चों की आंखें नीची रहेंगी कि 10,000 रुपये लेके मर गया, बाद में लोग कहेंगे इसका जो बाप था वो पैसे लेके भाग जाता था। तो 10,000 रुपये किसी का लेके नहीं भागते, उसका ऋण उतारते हो, उसका ब्याज से भी पैसा देते हो या बिना ब्याज का देते हो, तो ये जो पूरा जीवन मिला है जिसमें, इसका ऋण नहीं उतारोगे क्या? तो इसका ऋण उतारने के लिए काम करना है तो अच्छे मन से काम करना है, तो समझदारी से काम करना है। तो बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहना है तो संगठन नहीं बनाना है। जो लोग संगठन बना बना के बैठे हुए हैं वो ऋण नहीं उतार रहे हैं, वो तो और ऋण चढ़ा रहे हैं ऊपर से, और चढ़ा रहे हैं, और ज्यादा बाबा साहब को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग संगठन बनाने से, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो लड़कों के दलबल हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, वो सारे के सारे बाबा साहब के ऋण से मुक्त नहीं करते, बल्कि ऋण को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के सिद्धांत के उलट काम हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि पूरे समाज को, समण समाज को, पूरे प्रबुद्ध समाज को एक साथ इकट्ठा करना है, उसका पूरा इंतजाम करके गए, मगर हमारे लोगों ने तो बाबा साहब का सिर्फ फोटो लगा लिया और बाबा साहब की बात को कह दिया कि बाबा साहब ये जो हमने जय भीम का नारा है ये हमारा पूरा मिशन है और हम इसको लेके चलेंगे, मगर इकट्ठे नहीं हुए और ना इकट्ठे होने की उन्होंने कभी बात की और ना इकट्ठे होने के लिए उन्होंने कोई काम किया। और कभी उनसे कहो कि बाबा साहब का क्या काम कर रहे हो तो बड़े जोर जोर से कहते हैं कि देखो हमने वहां टेंट लगाया, हमने वहां मेले में ऐसा किया, हमारा संगठन ये कर रहा है, और सबसे ज्यादा कहते हैं हमें उस संगठन का प्रधान हूं और मैं उस संगठन सचिव हूं, और किसी दूसरे संगठन का नाम ले दो तो कहते हैं वो तो संगठन बकवास है, वो तो बेकार है, जबकि वो भी बाबा साहब का फोटो लगा के घूमता है। तो जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं मगर बात नहीं मान रहे हैं। भाई जब आपका बाप एक है, जब आपका परदादा एक है, जब आपकी माँ एक है, जब आपका मिशन एक है, जब आपका विचार एक है, जब आपकी समस्या एक है, जब उसका समाधान एक है, तो आप अलग अलग होके कौन सा काम कर रहे हो जिससे ये सारा पूरा हो जाएगा? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और सोचने से भी ज्यादा लोगों से पूछना चाहिए, और इसको खुलेआम ये कहना चाहिए कि भाई आपको इकट्ठे होना है तो लोग क्यों नहीं कहते कि इकट्ठा होना है, उसका कारण क्या है? कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई किसी का दोस्त होता है, कोई किसी के काम आने वाला होता है, कोई बड़ी पोस्ट पे होता है, कोई छोटी पे होता है, और कहीं कुछ ना हो तो लोग ये सोचते हैं अरे भाड़ में जाए, हमें क्या बिगड़ना है, हम क्यों बुराई मोल लें, हमें क्या फायदा, हम क्यों इसके बुरे बने, हम क्यों इसको कहें कि इसने जात का संगठन बना रखा है, हम क्यों इसको कहें कि इसका अलग अलग संगठन है, जानते हम हैं मगर हम कहेंगे नहीं क्योंकि हम बुरा नहीं बनना चाहते। तो भाई अगर आप बुरा नहीं बनना चाहते तो आप मरने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं तो जो अलग अलग संगठन है, जो 29 लाख संगठन है, वो तो ये मांग चलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम मर जाएं, हम सारे मरें और मरते हुए उनके पास जाएं और फिर कहें तुम हमारे नेता हो भैया हमको बचा लो, तो वो फिर भी नहीं बचा पाएंगे अगर हम उनके पास चले भी जाएं। क्योंकि आप किसके पास जाओगे? आप एक के पास तो जाओगे नहीं, जो आपका रिश्तेदार है उसके पास जाओगे, जो आपका जाति वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका स्टेट वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका भाषा वाला संगठन है उसके पास जाओगे, जो आपका धर्म वाला गुरु है उसका उसके पास जाओगे, जो आपके लड़कों का दलबल है जानकार है उसके पास जाओगे, जो सरकारी कर्मचारी में आपका जान पहचान का उसके पास जाओगे, जो राजनीतिक पार्टी में आप जहां से लगते हो या आपके पिताजी है वहां जाओगे, तो जाओगे तो अलग अलग ना। जब अलग अलग जाओगे तो जीतोगे क्या? आपकी तो हार पहले दिन से ही तय है, आपको तो मरना ही है, जो हारता है वो मरता है। इसीलिए हम 70 साल से लगातार हारते आ रहे हैं, और किनके कारण हारते आ रहे हैं? जो हमें जागृति दे रहे हैं, जो हमें जन जागृति दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि आओ हम तुमको जागृत करेंगे, आओ हम तुम्हें जागृति देंगे, उनके कारण हार रहे हैं। तो अगर उनसे ये बात कहो तो उनकी बड़ी बुरी लगती है, अरे हमारी राजनीतिक पार्टी को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, हमारे संगठन को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, हमारे सामाजिक संगठन को ऐसा कहते हो विदा पीपल में, अरे हम वहां के प्रेसिडेंट है हमको ऐसा कह दिया,
हमने वहां इतना पैसा दिया, हम कुछ है ही नहीं क्या, हमने 3 साल से वहां काम किया, वहां कुछ है नहीं है। अरे भाई आप बहुत कुछ हो, आप समाज को तोड़ने में पूरा योगदान दे रहे हो, इसमें हम मानते हैं आपकी कि आपकी पूरी भूमिका है, और आपको अगर नजर नहीं आ रही है तो आप इस बात से देख लो कि आप जो बने थे, आपने जो प्रधानी ली है, आप जो जनरल सेक्रेटरी बने हो, आप जो कार्यकर्ता बने हो, आपने जो अलग मठ बनाए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए हैं? आपने समाज के सुख के लिए बनाए, समाज के अधिकारों के लिए बनाए, और समाज के अधिकार तो चले गए, समाज का सुख तो चला गया, समाज के तो बेरोजगार हो गया, समाज का तो सारा काम चला गया। तो आपके संगठन बनाने से आप बताओ, आपके पदाधिकारी बनने से आप बताओ कि नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो फिर हमारे जैसे लोगों को या विदा पीपल में जो लोग आ रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या चुप पड़े रहें और चुप पड़े पड़े मर जाएं इस अफसोस के साथ कि अगर हमने समय पे कह दिया होता तो शायद ये इकट्ठे हो गए होते। तो एक प्रयास करना चाहिए, एक बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से अगर ऋण के मुक्त होना है तो ये काम उसमें आता है कि हमको सही जन जागृति करनी चाहिए। और सही जन जागृति ये है, जिसका समाज इकट्ठा होता है वो दबंग होता है। सही जन जागृति यह है कि जिसका समाज इकट्ठा होता है वो कभी गरीब नहीं होता। सही जन जागृति यह है कि जो समाज में एक साथ मिलकर बैठते हैं, रोटी खाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उन पे कोई अत्याचार नहीं होता, बल्कि वो अत्याचार करते हैं। ये नियम है प्रकृति का कि इकट्ठे होंगे तो ताकत बनेगी, और ताकत बनेगी तो आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो अत्याचार कर लो, चाहो तो अपना फायदा कर लो, क्योंकि हमारे लोग अत्याचार नहीं करते तो अपना फायदा तो कर सकते हैं। तो और भी कुछ नहीं है तो पुराने समय में सीख लो कि इसका फायदा हुआ नहीं हुआ। देखो बुद्ध से पहले स्थिति खराब थी, लोग व्यभिचारी थे सारे के सारे, ऐसा कोई जाति वाति का आतंक तो था नहीं क्योंकि जाति थी नहीं, और ऐसा कोई ब्राह्मण का भी कोई आतंक नहीं था क्योंकि वो याचक था और वो गरीब याचक था, मगर एक बुराइयों का आतंक था जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे, और वो बुराइयां हमारी शराब की, हमारी नशे की, हमारी अत्याचार की, हमारी व्यभिचार की, ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हम परेशान थे। बुद्ध ने ये दूर किया और एक क्रांति हुई, और जिस क्रांति का फायदा हमें लगभग 15-16 साल तक मिला। उसके बाद जातियां बनाई, उसके बाद क्रिएट की, और हमको अलग अलग तोड़ दिया, हमारे संघ को तोड़ दिया, तो हमारा सब कुछ चला गया, हमारी एजुकेशन चली गई, हमारा पैसा चला गया, हमारी जमीन चली गई, हमारा देश चला गया, हमारे सिद्धांत चले गए, हमारी जो मॉरल एजुकेशन थी वो चली गई, हमारी अच्छी शिक्षा चली गई, हमारे बच्चों में जो एक संस्कार आना चाहिए था वो चला गया, हमारी भाषा चली गई, हमारे शब्द चले गए, हमारी किताब चली गई, सब चला गया हमारा। मगर बाबा साहब ने जैसे ही फिर दोबारा से संघ बना के हमको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने का मंत्र देके गए, तो धीरे धीरे ये हमारे पास सब आने लगे, हमारी एजुकेशन हमारे पास आ गई, कुछ हमारे पास घर आ गए, कुछ जमीन आ गई, कुछ पैसा आ गया, कुछ चीजें अभी आना ही शुरू हुई थी, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये बाबा साहब ने इकट्ठे कर दिए हैं। ये पहले हमने 6,743 जातियों में तोड़े थे, बाबा साहब ने बड़ी चतुराई से इनको 3 हिस्सों में जोड़ दिया, एक का नाम एससी रख दिया, एक का एसटी रख दिया, एक का ओबीसी रख दिया। ये इकट्ठे हुए तो इनको नौकरी मिल गई, इनको पैसा मिल गया, ये व्यापार करने लगे, ये बिजनेस करने लगे, ये पढ़ गए, ये लिख गए, इनके मुंह खुल गए, ये बात करने लगे, और ये मुख्यमंत्री भी बन गए और प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए, और ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे अगर इनका इलाज नहीं हुआ। तो क्या इलाज करना है भाई? इलाज ये करना है कि एक तो इनको जातियां खोल के इनके हाथ में पकड़ा दो। तो उन लोगों ने जातियां खोल के हमारे हाथ में पकड़ा दी, कुछ हमारे जो बेवकूफ लोग थे उन्होंने जातियों के झंडे उठा लिए और वो जाति के संगठन बना के घूमने लगे बाबा साहब के बिल्कुल अगेंस्ट में। बाबा साहब ने कभी जिंदगी में जाति का काम नहीं किया, जाति का संगठन नहीं बनाया, इन मूर्खों ने जाति के संगठन बना दिए। दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जितने भी शौक थे नवाबी सारे शराब के, कबाब के, इसके उसके वो बढ़ा दिए। 4 पैसे के आए कि सबसे पहले दारू की बोतल घर में आ गई और उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, और ऊपर से ये कि सरकारों ने भी घर के आगे ठेके खोल दिए और किसी ने उसको मना नहीं किया। औरतों ने मना किया तो औरतों की पिटाई कर दी, एक नुकसान ये हो गया। फिर उन्होंने पढ़ाई महंगी कर दी क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब ने मूल मंत्र बताया है कि पढ़ना जरूर है, चाहे घर बिक जाए, चाहे खाल बिक जाए, चाहे चमड़ा बिक जाए, चाहे बाल बिक जाए, पढ़ना जरूर है, और ये अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, और जो एक बार पढ़ जाता है वो पढ़ाता ही रहता है चाहे कुछ हो जाए। तो इनके पढ़ने का इतना महंगा कर दो कि ये पढ़ा ही ना पाए, जब ये पढ़ा नहीं पाएंगे तो ये कहां से डिग्री लाएंगे और कहां से लेंगे, तो इनके मनोबल टूट जाएंगे। और जो पढ़ गए हैं उनका इलाज करो, उनका इलाज ये है कि इनको नौकरी मत दो क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, ना इनके पास में जमीन है, ना जायदाद है, ना इनके पास में दुकान है, ना बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है, ना ये विदेश जा सकते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट हुए नहीं, अगर बुद्धिस्ट होते तो ये बुद्धिस्ट कंट्रियों में चले जाते। तो एक काम करो कि इनका सिर्फ सरकारी नौकरी में इनसे 2 रोटी मिलती है, सरकारी नौकरी बंद कर दो। तो सरकारी नौकरी सीधे बंद नहीं हो सकती क्योंकि आरक्षण के विरोध में बहुत सारी चीजें उठी हुई हैं, तो हल्ला मच जाता है कि आरक्षण विरोध, आरक्षण का संघर्ष करना है, तो आरक्षण को ऐसे खत्म नहीं करना भाई। आरक्षण को खत्म करने का सीधा प्रावधान ये है कि आरक्षण तो हम देंगे मगर लोगे कहां। अब ये ठीक ऐसे है कि जैसे भाई हम आपको सरसों का तेल तो देंगे
मगर लोगे काहे में, आपके पास तो कपड़ा है, कपड़े में ले जाओ, कपड़े में क्या करोगे, सरसों का तेल सारा कपड़ा आपका खराब हो जाएगा, वो तो कुछ काम का है नहीं। तो उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट ही बेच दिए, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए और सब ठेकेदारी प्रथा कर दी, और जहां नौकरी 60,000 की और 80,000 की थी, वहां 7,000 की और 10,000 की 15,000 की रह गई और बाकी ठेकेदार बीच में खा जा रहे। तो वो चक्कर भी खत्म हो गया। तो एजुकेशन लोगे नहीं, जिन्होंने एजुकेशन ली है वो बच्चे करेंगे क्या? क्योंकि जो बच्चा पढ़ गया, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई एमए है, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, ना उनको यूनिवर्सिटी में जगह है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटियां खोलनी बंद कर दी कि यूनिवर्सिटियां खुलेंगी नहीं तो नौकरी आएंगी कहां से, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर दी, तो प्राइवेट भी होगी एजुकेशन, स्कूल प्राइवेट हो गए। तो अब जात देख के नौकरी मिलेगी और जात देख के आपको तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आपकी कोई कहीं कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपने बनाया हो या हमने बनाया हो या कभी हमारे लोगों ने सोचा हो। वो तो मस्ती में अपना रहे, दारू की बोतल रह के अपना काम करते रहे। और जो कुछ लोग जिन्होंने मेहनत की और जो लोग वास्तव में समाज के लिए काम करते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम रही और वो भी आपस में हजारों टुकड़ों में बटे रहे, ये ऊपर से और मुसीबत हो गई। एक तो कोड़ ऊपर से खाज हो गया। इस सारी स्थिति की समस्या और इस सारी स्थिति को देखते हुए हमारा पतन और हमारा जो बिल्कुल वंशवाद खत्म होना है, जो अस्तित्व खत्म होना है, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा 30 साल, बस 30 साल में किसी ने अगर बहुत अच्छा मकान है तो वो भी बिक जाएगा और कोड़ियों के दाम बिकेगा, और किसी की कोई जमीन जाए तो वो भी बिक जाएगी, क्योंकि हर चीज डब्बे बंद होके आ रही है। डब्बे बंद होके आएगी, 2 रुपए का जो सामान है वो 20 रुपए में मिलेगा। ये सारी समस्याएं आने वाली हैं और जो चल रही है बहुत तेजी से। जो लोग हमारे अच्छी जिंदगी जीते हैं उनकी आमदनी कम हो जाएगी, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ये समस्याएं बहुत विकट आने वाली है। और कोई ये सोचे कि वो कहीं डग्गे मारी का 2-4 रुपया लेके समस्या को सॉल्व कर सकता, नहीं होगी। इसकी समस्या का समाधान सिर्फ एक है, आपका अनम्यूट कीजिए सुनील जी। और माइक म्यूट हो गया जी। जब तक हमारे पास में जनसंख्या बल है तब तक हमें कोई घबराने की बात नहीं है, मगर ये जनसंख्या बल अगर टुकड़ों में और 29 लाख संगठनों में बटा हुआ है तो हमें घबराने की बात है। तो हमारे पास कुल मिला के एक सोल्यूशन है बस, और कोई समाधान नहीं है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए, और बिना किसी बात के इकट्ठा होना चाहिए, बिना किसी सोच के इकट्ठा होना चाहिए, बस इकट्ठा होना है। इकट्ठे होते ही बच जाएंगे तो बड़े सारे जो चतुर खिलाड़ी हैं, जो बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं, जो बहुत ज्यादा विद्वान हैं, वो कहते हैं जी इकट्ठा होके करोगे क्या। मतलब 2 प्रश्न हमारे पास हमेशा आते हैं, जब भी आप फील्ड में जाओगे विदा पीपल के, तो आपसे 2 प्रश्न हमेशा पूछेंगे, भाई आप इकट्ठे होके करोगे क्या और आपका नेता कौन है। अरे मूर्खो, इकट्ठे होके क्या करेंगे अगर ये समझ में नहीं आता है तो घर में इकट्ठे क्यों रहते हो? ये जो जिस भी संगठन में रहते हो वो तुम्हें क्यों इकट्ठा करता है? जहां भी जाते हो वहां इकट्ठे होने की बात क्यों होती है? ये बुजुर्गों ने क्यों कहा है कि अगर इकट्ठे रहोगे तो बच जाओगे? ये जंगल में जानवर इकट्ठे रहते तो कैसे बच जाते हैं? ये मधुमक्खियां इकट्ठी रहती तो कैसे बच जाती हैं? ये मछली समुद्र में इकट्ठी रहती तो कैसे बच जाती हैं? और क्यों आपने कबीले बनाए, क्यों मोहल्ले बनाए और क्यों एक साथ रहते हो? ये प्रश्न उन मूर्खों से जब आप पूछोगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर उन्हें मानना पड़ेगा कि आप अकलबंद हो, क्योंकि जो इकट्ठे रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो सुरक्षित रहते हैं वो जिंदा रहते हैं, और जो जिंदा रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। लाशें कभी आगे नहीं बढ़ती, मरे हुए लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, कमजोर लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, बीमार लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। तो ये अलग 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 जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो अलग अलग पोस्ट लेके बैठे हो, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। इनसे फायदा होता तो 70 साल में हो चुका होता, इनसे तो घाटा ही हुआ है। जो कारवा बाबा साहब लेके आए थे वो तो चला गया पीछे। अब तो हमारी स्थिति वो आने वाली है कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू। बस 30 साल में आप अपने बच्चों के साथ में देख लोगे, आपके बच्चे जब काम पढ़ेंगे लिखेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, काम का अधिकार नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएंगे और सरकार पेंशन नहीं देगी, तो करोगे क्या? क्या चीज करोगे? कैसे काम चलाओगे? कौन सी जमीन है, कौन सी जायदाद है? इसलिए इकट्ठा होना ही हमारे पास है। देखो जाट को हरियाणा में जो जाट है उनको कुजात बोला जाता था, जाट जाट कुजात, मतलब उनको अच्छी जात नहीं माना जाता था। और वहां का जो एक जो सर छोटू राम है वो ऐसे ही कहता था कि भाई इकट्ठे हो जाओ बच जाओगे, इकट्ठे हो जाओ कामयाब हो जाओगे। और वो बहुत संख्या में थोड़े से हैं और सिर्फ नॉर्थ में ही हैं और कहीं है नहीं पूरे इंडिया में, और वो इकट्ठे हो गए। आज हालत ये है कि सरकार किसी की भी हो जाटों की चलती है, जाटों की उसमें बात होती, किसी की सरकार हो उनके काम होते हैं, और वो बड़े जमींदार हो गए, बड़े पैसे वाले हो गए, वो पढ़ने भी लगे और बड़े बड़े नौकरियों में भी आ गए, सिर्फ इकट्ठे हुए इसलिए हुए। ये जो सरदार हैं इनकी संख्या बहुत कम है, मगर ये इकट्ठे हुए तो 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे, और ये इकट्ठे हुए तो आज इनके सारे सिस्टम बहुत बड़े चलते हैं, इनके पास बड़ा पैसा है। सिर्फ इकट्ठे होने से 2 करोड़ हैं, हम तो फिर भी 110 करोड़ हैं।
अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन सी चीज ऐसी है जो हमें नहीं मिलेगी, इसलिए इकट्ठे होकर मिलेगी, क्योंकि संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी संविधान में उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान तब तक है तब तक इकट्ठे होने का फायदा है। अगर संविधान खत्म हो गया इस देश से और कोई व्यवस्था गैर संवैधानिक आ गई, असंवैधानिक आ गई, राजतांत्रिक आ गई, तो फिर आप वोट किसको डालोगे, प्रतिनिधि क्या चुनोगे, क्या आप हिस्सा लोगे, कौन सा आपको बजट मिलेगा, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आप चिल्लाते रहना, जिसका वोट नहीं उसे कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी फरियाद नहीं पूछेगा। फिर आपको कहीं जैसे पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे, कहीं अगर उनको चील कौए उड़ते हुए दिखाई दे जाए दूर से तो पूरे गांव वाले भागा करते थे। क्यों भागते थे कि देखो चील कौए उड़ रहे हैं तो वहां पे कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होगा, और ये सत्य बात है बिल्कुल, और नहीं तो अपने बुजुर्गों से पूछ लेना। तो पूरा गांव दौड़ता था इसलिए कि भाई चील कौए सारा मांस ना खा जाए तो हमारा क्या होगा। तो उस मरे हुए जानवर का मांस खाया करते थे, उसकी खाल निकाल के लाते थे, मरे हुए जानवर की मांस पर जिंदा रहे हमारे बुजुर्ग और हम। और ये बात बाबा साहब ने कहा था कि मरे का मांस खाना बंद कर दो। हमारे फादर, मेरे फादर ने खुद लोगों से मरे के मांस खाने के लिए बाबा साहब की अपील के बाद गांव में जा जाके, कीचड़ में जा जाके लोगों को कहा है कि मरे का मांस खाना बंद कर दो। तो मरे का मांस खाने के लिए तैयार हो जाओ अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हो, और अभी भी अगर तुमको अहम है और घमंड है अपनी पोजिशन का, अपनी स्थिति का, और तुम कहीं पदाधिकारी बने घूम रहे हो और तुम अलग अलग भैया सिस्टमों में चल रहे हो, तो अपने बच्चों को कह के जाना कि हमारे बुजुर्ग मरे का मांस खाते थे और मरे का मांस मिलेगा, और हो सकता है मरे का मांस भी ना मिले इस बार, क्योंकि इस बार तो कंपनी आ गई है तो वो जिंदे जानवर को काट के पैक करके विदेश भेज देती है, तो जानवर मरेगा नहीं तो खाओगे भी क्या, तो भूखे मरने की नौबत आएगी। जैसे आज भारत में लाखों लोग भूखे मरते हैं, वैसे मरने के लिए तैयार हो जाओ अगर इकट्ठे नहीं रहोगे तो। इसलिए वी द पीपल कहता है कि जिद है जुड़ने की और जिद है जिंदा रहने की, जिंदा रहने की जिद है, जिंदा रहेंगे तो बचेंगे और बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां पूरी दुनिया में जिंदे रहे हैं, जो लोग बिखर गए उनके कबीले खत्म हो गए वो लोग खत्म हो गए। आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लेना, मानव विज्ञान पढ़ लेना, उसमें हजारों कबीले हैं जो अलग अलग रहे और मर गए, और जो कबीले इकट्ठे हो गए वो सारे जिंदे रहे और सारे बचे हुए हैं। हम आज तक इसलिए जिंदा हैं कि बेशक हमारे बुजुर्ग बिल्कुल बेकार थे, मगर उन्होंने एक मंत्र सिखाया कि परिवार में रहना, परिवार में रहना। तो परिवार हमारा बड़ा है, परिवार हमारा समण है, बुद्ध के समय समण शब्द था, समण समाज के लोग हैं हम, तो समण संघ में आना है। समण संघ में आएंगे तो हम जीतेंगे, तो बाबा साहब का ऋण मुक्त होगा, तो बाबा साहब का संकल्प पूरा होगा, तो बाबा साहब की बात को हम मानेंगे। इसलिए जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जीतना है तब तब जुड़ना है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे और नहीं जुड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसलिए जुड़ो और जीतो, जुड़ो और जिंदा रहो। अगर आप जुड़ नहीं पाए तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, फिर आपको बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला, ना बाबा साहब आएंगे ना बुद्ध आएंगे। आपके बच्चे आपको बहुत दोष देंगे कि अगर हमारे माँ बाप जुड़ गए होते तो शायद आज हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, शायद आज हम कहीं कुछ ना कुछ होते। इसलिए जुड़ना जरूरी है, जुड़ना बड़े काम नहीं होगा। जो लोग संगठनों में है वो संगठनों में जुड़ जाएं, और जो लोग नहीं जुड़ सकते वो वी द पीपल में जुड़ जाएं। धन्यवाद। ठीक है, आप सर जो ना जब आएंगे करो, आप खुद ही करवा देना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, कोई और साथी, कोई भी साथी बोलना चाह रहा है? हेलो, बोलिए सर। मैं गोविंद शर्मा बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। जी जी बोलिए। सर वो जो मीटिंग 25 तारीख की मीटिंग बता रहे हैं ना जी, दिल्ली, मेरे को पता लगा। इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं गोविंद सरोहा, गवर्नमेंट आईटीआई गुड़गांव में एज ए इंस्ट्रक्टर जी। तो सर वो मेरे को कल की मीटिंग में ये पता लग गया था कि 25 तारीख की अपनी कोई दिल्ली मीटिंग है। हाँ, दिल्ली मीटिंग है, और दिल्ली में जो दिल्ली के एनसीआर वाले और दिल्ली वाले लोग ही जाएंगे। हाँ, तो मेरे को उसका पूरा पता नहीं है, वो मीटिंग कितने बजे है और उसका जो टाइम और उसका स्थान वो कौन सा है। अभी चैट बॉक्स में आ जाएगा, चैट बॉक्स में देख लेना। ठीक है सर, ठीक है, अभी डाल देंगे। ठीक है ना, आईटीआई वालों में और जो ना आईटीआई के और साथियों को जोड़ो भाई, उधर आपका वो विनोद प्रिंसिपल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप तो दूसरे साथियों को जोड़ो। हेलो करमवीर सर। जी जी जी। हाँ, वो मैं लैपटॉप पे आ गया हूँ, मैं अब तैयार कर लिया। वो करिए ना, करिए वेलकम लैपटॉप। वेलकम चलेगा जी।
जी हम तो स्टेपनी है, जैसे मौका करते हैं स्टेपनी यूज होकर करते हैं, करिए। हाँ वो पहले मैं मोबाइल पे बैठा हुआ था, अब मैंने लैपटॉप स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 42 हो गए, प्रियम्बल कौन पड़ेगा उसके लिए तैयारी हो जाए, बाकी आप करिए। करिए तिलका जी वेलकम। तो अभी 50 के बाद शुरू करना है या अभी ऐसे ही? इतने एक दो आदमी को ले लो, इतने 50 हो जाएंगे, इतने प्रियम्बल के लिए कौन कोई हैंडरेज कर देगा, पढ़ देगा। तो हैंडरेज में देख लूं मैं पहले? आपको जो जैसे लगता वैसे करिए, अपने दिमाग से करिए, जो जैसा लगे अच्छा वैसा करो। लिस्ट भी देख ली, हैंडरेज तो कोई नहीं है सर अभी। हाँ तो अपने हिसाब से जो भी बोलना बोलो, खुली आजादी। अनाउंस कर दो कि जो भी साथी नया है वो हैंड रेज करें ताकि आसानी रहे मुझे आपको। वी द पीपल में जो भी माननीय साथी जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज कर दें, और ताकि हम उनका परिचय ले सके और सबसे उनको मतलब परिचित करा सके। कोई भी साथी अपनी मर्जी से बोलना चाहता है तो बोलिए, इतना है, हम जो ना हमारे 50 आदमी होंगे, हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे। लिस्ट में मुझे नाम देखने पड़ेंगे फिर? नहीं ऐसे ही ऐसे बोलते रहो, कोई ना कोई बोलेगा, जो अपना आपको कोई भी लगता है उसका नाम बोल दो, जिस मर्जी का बोल दो, आजादी है पूरी। जो कुछ और खुद कोई बोलना चाहता हो, कोई भी साथी, नए पुराने, बड़ा डिसिप्लिन मीटिंग होगी हमारी तो भाई, कोई नहीं बोल रहा है, आइए वेलकम है, बताइए या शुरू करें फिर? हाँ करिए करिए करिए, आप जो जैसे मर्जी लगे वैसे करिए। गोविंद सरोहा जी, दे दिया अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दीजिए। दे दिया तिलकराज जी, दे दिया इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, दे दिया ठीक है। और ये 139852, हाँ ऐसे बोलो ठीक है, ये कौन है 139852, प्लीज अपना परिचय दीजिए। ये आगे ओपन ओपन माइक ओपन करें जी। मैंने डायरेक्ट ही आज ओपन कर लिया ना, मैंने लिंक नहीं डाला ना। अच्छा, मैंने डायरेक्ट ही ओपन कर दिया। बढ़िया, इंट्रोडक्शन तो बगैर इंट्रोडक्शन के नहीं जाने देंगे बहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाँ, मेरा नाम बबली हीरा है, मैं इंडियन बैंक से बीआरएस लिया है, 30 ईयर जॉब करके एज असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी काफी मैं भी 2-3 महीने से वी द पीपल की मीटिंग में जुड़ रही हूँ और काफी अच्छी मुहिम चल रही है जी। तो इसी प्रकार जुड़ने और जोड़ने की मुहिम चल रही है, तो अगर इसी प्रकार हम जुड़ते रहेंगे और आगे भी लोगों को जोड़ते रहेंगे ना, तो मैं पूरा मेरा मानना है, अपना मानना है कि हम अपनी मुहिम में सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जय भीम, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। बबली हीरा जी, 25 तारीख की मीटिंग है, तैयारी पूरी है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल तैयारी है, बताइए। हम बिल्कुल तैयार है, पराठे वराठे अचार अचार तैयार है, सब ले आएंगे ले आएंगे, बिल्कुल तैयार है, आप हुक्म कीजिए। दो एक्स्ट्रा लाने बबली हीरा जी, हम चार ले आएंगे, बोलिए और बोलिए। सर ये मीटिंग है जो ओनली फॉर स्पोक्स है क्या? नहीं, वो ओपन है सबके लिए, सबके लिए दिल्ली वालों के है, सभी के लिए, सभी लोग आ सकते हैं। ओके ओके, मैं दिल्ली में मैं भी बोलता हूं, दिल्ली से बाहर वाले भी सभी लोग आमंत्रित हैं इस मीटिंग में। बाहर से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, और भी कई जगह से आ रहे हैं जी। ये अब धर्मवीर जादोरिया जी है, प्लीज आइए अपना परिचय दीजिए। जय भीम जी, जय भीम जी, मैं धर्मवीर हरियाणा से। जी बताइए, आप क्या करते हैं? जी फिलहाल तो मैं एक दुकान करता हूँ जी। अच्छा, तो आपको लिंक कहाँ से प्राप्त हुआ? जी ये बहन शर्मिला जी ने भेजा था जी। अच्छा जी, और मेरे साथ ही बैठे हुए हैं और सभी सुन रहे हैं जी। हाँ, उनका भी परिचय करा दीजिए और अपना जो नंबर है ना वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। वी द पीपल आपको कैसा लगा बताइए जी।
जो मेरे दोस्त हैं सन्नी है, चुन्नी लाल है और दीपक जी, उनको 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 मौका दीजिए। पहले आप अपना मतलब बताइए कि वी द पीपल में आपको क्या मतलब क्या महसूस हो रहा है लोगों से जुड़ करके। ठीक है सर। तुलसी मैं अभी सुना नहीं है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है वी द पीपल का। पहली बार आए हैं धर्मवीर जी? हाँ जी पहली बार आया था, कुछ दिन पहले आया था, फिर आपका नाम है, मैं बीमार पड़ गया जी, उस वजह से मैं जुड़ नहीं पाया जी। तो आपकी किस चीज की दुकान है जी? किराना स्टोर है जी, परचून की दुकान कर रखी है जी। गांव में? जी गांव में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। और आपने टाइम निकाला इसमें काफी, इसमें बिजनेस को कैसे बढ़ाए, कैसे मेहनत कर सकते हैं आगे, इसके बारे में सोचना। और यहाँ बिजनेस की भी क्लास लगती है, तो उसमें आप अच्छी तरह सुन सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अपने साथी कोई कोई और है तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दे, इंट्रोडक्शन करा दे, पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं उनकी बात। हाँ जी, ये चुन्नी लाल है जी, करवाए उनको माइक दे दो। जय भीम सर। जय भीम जी। हाँ जी सर, चुन्नी लाल जी बताइए, अपना अपना नाम बताइए, अब क्या काम करते हैं वो बताइए, और कहाँ से हैं ये सभी बताइए। मेरा नाम कंवर पाल है जी, चुन्नी लाल वैसे कहते हैं। अच्छा जी, जी मैं तो एक ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, अरे बढ़िया, तुम्हारे से तो भाई ऑटो रिक्शा, तुम्हारे जो है ना आपकी बातें पूरा देश सुन रहा है, पूरे देश के लोग बैठे आपके सामने। हाँ जी, और रिक्शा चलाता हूँ, बोल रहा हूँ। देखो डॉक्टर यूवी जी से, डॉक्टर यूवी जी आप कहाँ बैठे हो? डॉक्टर साहब कहाँ बैठे हो आप? हाँ जी, इनको लिंक कहाँ से बता रहे हैं, किसने बता दिया? आपने दिया था, शर्मिला का नाम बता रहे हैं, शर्मिला जौहरी जी। अच्छा, लेकिन मेरे को तो याद नहीं कब मैंने इनको लिंक दिया है। बात भी करी थी जी। अच्छा, फेसबुक से? नहीं नहीं, वो से कॉल करके व्हाट्सएप पे, जो मेरा जय भीम ऑल इंडिया का ग्रुप था जी उसमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा, उसमें आपने मुझे साथियों को जोड़, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो बहुत मतलब ये संघ जो है ना हमारा, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम अपना रोल निभा रहा है। आप जैसे जवान लड़कों की यहाँ पे मतलब बहुत रेस्पेक्ट है, यहाँ पे आपको वो काम नहीं करना है, सिर्फ दरी बिछाने कुर्सी बिछाने का काम नहीं होता हमारे लड़कों से, यहाँ पे उनके फ्यूचर पे वो क्या काम कर सकते हैं और भी बेटर, उसके द्वारा यहाँ पे डिस्कशन होता है। आप रोज जुड़ते जाओ यहाँ पे, ठीक है ना? आगे चलो, अभी प्रियंपल कौन पढ़ेगा पूछ लो। मैं पढ़ देता हूँ। कौन बोल रहे हैं? सचिन दतिया से सर। आइए सचिन जी, आइए, चलो पढ़िए। नमस्कार जय भीम सर, मैं दतिया से सचिन को जी स्टार्ट किया। हाँ जी बिल्कुल, शुरू की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। मेरी बिटिया इंग्लिश में बोलना चाहती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। जय भीम, नमो बुद्धाय।
The preamble of our constitution is, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In a constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you. ये डॉक्टर सी एस आनंद जी है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज आप आइए, अपना परिचय दीजिए। जी जी सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को जय भीम। जय भीम सर। बुद्धा, मैं मथुरा से हूँ, डॉक्टर सी एस आनंद जी, और आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ, और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक संगठन एवं मानव कल्याण परिषद, इस नाम से संगठन है, और मैं उसको ड्राइव करता हूँ, चलाता हूँ, मैं उसका फाउंडर एंड प्रेसिडेंट जी। ये आपको लिंक कहाँ से मिला? ये लिंक तो सर मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, तो ये मेरे कोई मित्र हैं, हाँ वो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, तो उनसे जो है ये मिला मुझे, तो मैं आप लोगों से जुड़ गया। तो अभी मुझे ज्यादा नहीं, तीसरा दिन है। अच्छा, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने ये तैयार किया है जी, और जुड़ने, जब हम इसमें मन से जुड़ेंगे तो एक अच्छी यूनिटी बनेगी, और यूनिटी से ये है एक ताकत के रूप में हम लोग सब उभर के आएंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए, और अपना जो नंबर है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है जी जी। और अब सभी से अनुरोध है, जो नए साथी हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना परिचय देना चाहें तो आगे आए, अपना हैंड रेज कर दें जी जी। ये इसके बाद ये जयवीर सिंह जी हैं, जयवीर सिंह जी प्लीज आइए, अपना परिचय दीजिए। जय भीम सभी साथियों को। जी जय भीम। मैं जयवीर सिंह, हसनपुर, तहसील हसनपुर, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी से। हाँ जी, बेसिक में टीचर हूँ सर। अच्छा जी, जब से हमारा ये प्रोग्राम चला तो ढाई महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, जैसे ही टाइम मिलता है तो सब सभी साथियों की बातें सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए तो जुड़ जाता हूँ जितना टाइम मिलता है, और हम समाज के लिए जहाँ भी संभव हमारे इस तरह का कार्य होगा हम तैयार हैं। आपको, आप किसके सौजन्य से जुड़े, किसने आपको, मतलब? मेरे साथ शुरुआत प्रकाश जी हैं मुरादाबाद से जी, वो मेरे मित्र हैं, उनसे लिंक मिला, उसके बाद मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ, तो लिंक आ ही जाता अपने आप। ठीक है, आप बने रहिए, चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिए। मैं हमारे यहाँ अमरोहा से जी। जय भीम सभी साथियों। जी जय भीम। ज्ञान सिंह जी हैं, ज्ञान सिंह जी आइए, अपना परिचय दीजिए। सर नमस्कार सभी को, जय भीम, नमो बुधाए। जी नमस्कार, जय भीम। मैंने पहले अपना परिचय दे दिया है सर। अच्छा, हाँ जी जी, आगे चलते हैं, ठीक है। बलराज सिंह जी हैं, आइए कृपया परिचय दीजिए। बलराज सिंह, आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? बलराज सिंह जी, Uh,
हाँ बलराज सिंह जी, मेरा मैं कुरुक्षेत्रा से हूँ, सेक्टर 8 में मेरी रेजिडेंस है जी। और मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जेई हूँ। आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया आपने जो प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा है। बलराज जी अपना वीडियो तो ऑन कीजिए। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं जी। हो जाती है जी। बलराज जी तो पहली बार आए क्या फिर? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार। चलिए, इसमें हरियाणा के काफी लोग बैठे, मैं चंडीगढ़ से करमवीर बोल रहा हूँ। तो ये मीटिंग ऑल ओवर इंडिया से चल रही है, इसमें केवल देश के नहीं दूसरे देशों के लोग भी रोज जुड़ते हैं। ये मीटिंग रोजाना 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलती है। तो 9 बजे इसका कंसेप्ट आएगा, उसको आराम से जो नए साथी आए हैं उसको जरूर सुनना। तो बलराज जी रोज जुड़े, कुरुक्षेत्र से काफी लोग आते हैं मीटिंग में, इसमें तो आप लोग भी जुड़े। बलराज जी अपना नंबर शेयर कर दीजिए। थैंक यू जी, वेलकम। मोनिका अहिरवार जी हैं, प्लीज आइए, अपना परिचय दीजिए। जय हिंद नमो बुद्धाय, मैं मोनिका अहिरवार। वीडियो ऑन कीजिए बहन जी। सर वो मेरा फोन खराब है, प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ जी। और सर अभी जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और लिंक कैसे आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? सर मेरे जीजी ने सेंड किया था, एसके सिद्धार्थ LIN। अच्छा जी सर। तो कैसा लगा आपको, आज पहली बार जुड़े हैं या पहले भी? नहीं सर, 2-3 दिन से सुन रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एमपी में कहाँ से मनका जी? यस सर, झांसी से है। अच्छा, तो आप कटोरा के रहने वाले हैं? कदौरा से रहने वाले हैं? जी जी जी, मेरा खजुराहो है कैपिटल। मैं आपको रहने वाले कदौरा की। अच्छा ठीक, आप तो ड्राइवर है ना? नहीं सर, ढूंढ लाम है ना अभी सर? नहीं नहीं, अभी तो स्टडी चल। आप ड्राइवर भी तो है एक भी जोड़िए सिकरी राजा के। मैं शिव नारायण हूँ, सिकरी राजा का वो संतोष है हमारा भैया, वो नहीं ओके बोलेंगे सर। आपकी आवाज गड़बड़ है आपकी, शिव नारायण जी बहुत अच्छा जुड़ी जुड़ी है। नेटवर्क पर प्रॉब्लम कर रहा है सर, नेटवर्क गिटार बज। मोनिका जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। ये राजा बाहुजी हैं, राजा बाहुजी इंगोले ऐसे कुछ हैं, प्लीज आइए परिचय दीजिए। राजा भाऊ जी राजा भाऊ जी आवाज नहीं सुन पा रहे क्या? राजा वो इंगोले का परिचय हो चुका है सर। हो गया है उनका। ठीक ठीक, सतीश कुमार जी आप आइए, आप शायद हमारे से जुड़ी गई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सतीश कुमार जी आवाज नहीं आ रही है शायद। सुजाता सिंह जी हैं, आइए अपना परिचय दीजिए। सुजाता सिंह जी
वो सुधाकर सुरटकर है थाना से जी। हाँ मेरे, बुलाइए बुलाइए। मैं इसके पहले भी जुड़ा हूँ और ड्यूटी अटेंड करता हूँ। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ रेलवे से, थाना में रहता हूँ। और ये सब जब हम लोग सब मिलते हैं तो मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं हमेशा सुनने के लिए आता हूँ जी। ठीक है, आप सर अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ पहले भी, अभी भी ओरिजिनली देते रहता हूँ, अभी देना है तो दे जी, दे दीजिए जी। ठीक है, दे रहा हूँ अभी। ठीक, इसमें लग रहा जी नए लोग आते हैं जी, वो मान ले थाने के हो, महाराष्ट्र के हो, तो हाँ। वो लोग आपसे जुड़ सकते हैं, इसलिए आपका नंबर मांगा जाता है। अच्छा, और आप बीच बीच में बोलते रहे सुनने के लिए, नहीं आप लोग जैसे बोलेंगे तो दूसरे लोगों को हौसला आता है। आप बिल्कुल अच्छा, आज पहला दिन है ना सर। नहीं, वो काफी दिन से आ रहे हैं तिलकराज जी। हाँ हाँ, उनको ले क्या बीच में है? आप कह रहे हैं जो काफी दिन से आ रहे हैं? नहीं, वो जो चीफ इंजीनियर थे रेलवे के, मैं कह रहा हूँ बीच बीच में आते हैं वो। अच्छा अच्छा, हाँ उनको बोल रहा था। आप लीजिए जिसको लेना। एंड्रेज है ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश जी का एंड्रेज है, उनको ले लो। हाँ डॉक्टर ओम प्रकाश जी आइए प्लीज, अपना परिचय दीजिए सभी को। जय हिंद, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर ओपी सिंह डेंटल सर्जन हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजनौर में जी। डॉक्टर बोलिए जी, जो प्लेटफॉर्म हम लोग चला रहे हैं, आप लोग चला रहे हैं सब मिलकर, ये बहुत ही अच्छा है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको बल्कि और पहले चलाना चाहिए था, हम लोग काफी देर से जुड़े, लिंक बाद में मिला, और पहले जुड़ना चाहिए था। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो पहले ही बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत करी कि ये जो हम चला रहे हैं, हम जो चला रहे हैं डॉक्टर, आपने जो बात पहली बार चला रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि जो आपका जो ये संगठन चल रहा है, आपने कहा कि हम चला रहे हैं, बड़ी खुशी हुई हमें। थैंक यू, हम बहुत बहुत साधुवाद जी। ये भोपाल पे हैं संतोष जी, संतोष पामरिया जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष पमारिया भोपाल एमपी से हूँ और मैं करीब एक महीने से जुड़ रहा हूँ, और ये बी द पीपल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और मैं डीमार्ट में सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ जी। और मैं हर रोज जुड़ता हूँ और सभी की बातें अच्छी लगती हैं, और बी द पीपल आगे चल के बहुत बड़ा संघ बनेगा, और जो कि बी द पीपल का जो मैसेज रहता है, वो लिंक जो रहता है, वो मैं सभी ग्रुपों में शेयर कर देता हूँ। करीब 6-7 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों ने जोड़ रखा है, तो सभी ग्रुपों में हर रोज मैं शेयर करता हूँ। और इसी तरीके से रघुनाथ भाई साहब हैं, वो भी 3-4 दिन से जुड़ रहे हैं, वो भी अभी हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ बुलाइए बुलाइए बुलाइए, रघुनाथ भाई साहब आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों को। जी जय भीम जी, जी जी बोलिए जय भीम। मैं रघुनाथ अहिरवार भोपाल से हूँ, मैं भी हमारे संतोष पमारिया जी ने लिंक दिया था मेरे को, 3-4 दिन से जुड़ रहा हूँ सर मैं बी द पीपल से, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को इससे जुड़ करके जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को इसमें। रघुनाथ जी रोज जुड़े और साथियों को जोड़े, आप लोग फील्ड में रहते हैं और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं, जुड़ने और जोड़ने में बहुत बड़ी ताकत होती है। और जैसे जैसे कि ये सुधीर जी का हमें मतलब वो मिलता है, तो हमें ना सबसे पहले अपने परिवार को ही जोड़े, फिर हमने मतलब दोस्तों को और रिश्तेदारों को जोड़े, क्योंकि जुड़े बिना हमारा काम नहीं होने वाला। और जैसे जैसे हम जुड़ते जाएंगे, हमारी ताकत अपने आप ही बनती चली जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो है संख्या बल बनाना है, अपना यूनिटी में एक साथ मिलकर के रहना है, तो मैनी हेड मैनी माइंड्स अपने आप आ जाएंगे, अपने आप काम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर जी। सर हाँ,
एक अजीब बात बता रहा हूँ आपको, आपकी मीटिंग का इतना इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, एक साथी कौन है, राजेश या बलराज या कौन है, आपकी मीटिंग सुन रहे और खड़ा खड़ा खाना खा रहा है। देखो कितनी खुशी की बात है सर, मैं यहाँ पर खाना कटोरी ले रहा, खड़ा होके खाना खा रहा, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ रहे, इतना गर्व की बात हमारे लिए। सर मैं कौन खाना खा रहा था, राजेश ही खाना खा रहा था, कोई और खा रहा था? जी 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 एक्चुअली हेलो 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 जी जेविन सब, जेविन सबको एक्चुअली मैं इस समय ऑफिस में हूँ, मैं इस समय अपने ऑफिस में हूँ, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आया था तो उसी में मैं एक्चुअली मतलब किसी तरह समय निकाल के सुनता हूँ क्योंकि बॉल यही बड़ी बात है, यही इसलिए आपकी प्रशंसा करी है। देखो लोग आपकी मीटिंग नहीं छोड़ रहे, साथ के साथ खाना खा रहे, लेकिन मीटिंग जरूर सुन रहे हैं। जिस दिन ये भावना आ गई, ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं बताऊँ, मैंने अपना ऑफिस टाइम यार रात में 10 बजे तक कर लिया है, मीटिंग के लिए मैंने यहाँ पे अपना ऑफिस टाइम 10 बजे रात तक कर दिया है। तो मैं अपने भले स्टाफ को छोड़ देता हूँ, पर 10 बजे तक मैं बैठ के अपना मीटिंग में मिनिमम मतलब तो जो भी है 10 बजे तक तो मैं किसी तरह रहता ही रहता हूँ। तो आपको जी 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 मेरा फार्मा का काम है, आप लोग को मैंने बताया था पहले भी, मेरा फार्मास्यूटिकल कंपनी है मेरी अपनी। जिसने घोषणा करी थी मैं दवाई खरीदूंगा वो राजेश, आप जी 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 मैंने घोषणा की थी कि थैंक यू राजेश, थैंक यू रियली थैंक यू, कि यूपी में कहीं भी कोई मेडिकल कैंप लगता है तो मैं सारी दवाइयां उससे फ्री अवेलेबिलिटी करा दूंगा, जो भी कैंप लगता है मेडिकल। जितने भी साथी बैठे हैं, लगभग 91 साथी बैठे हैं, सुनिए इसमें विदेश के साथी भी है, राजेश जी इसने पहले भी कहा है, और वो जो आदमी इतना डोनेटेड है वो आपका जो है मीटिंग के लिए भी मीटिंग के समय में खाना खा रहा है, यानी जो साधन संपन्न है हर चीज की मौज है लेकिन मीटिंग को नहीं छोड़ रहा, ये बहुत बड़ी भावना है। थैंक यू राजेश सर। जी जी आदरणीय, वो भी दवाई है आपके पास जिसमें से पिला दें तो बी द पीपल के साथ लोग जुड़ना लगे, वो भी दवाई प्रयास जी, जी 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 वो दवाई हो रही है सर, यही दवाई तो है, दवाई यही है जो दी जा रही है। वो दवाई ओम प्रकाश सर, वो दवाई सबसे पहले बुद्ध के पास थी, फिर बाबा साहब के पास थी, जो हमें उन्होंने पिलाई है। 5000 नंबर है सर, अभी हम लोग सारी आईपीएस आईएएस के लिए राजी नहीं है सर। जी जी सर, इस पे कुछ बात भी ये थी कि अभी मेरा भ्रमण था, मैं पंजाब गया, हरियाणा गया, उसके अलावा मैं क्या बोलते हैं कि दिल्ली में था, फिर मैं पूरी जो इंटीरियर मैंने जो भी मैंने काम किया चंडीगढ़ से लेकर, तो उसमें सर एक कुछ पॉलिटिकल इशू आ रहे थे जी। तो ये हमारा मंच शायद पॉलिटिकल की बात करने वाला नहीं है, नहीं तो मैं इस पर कुछ बात होती, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल से जोड़ा नहीं जा रहा है इसको रियाजत में। हेलो, फिर भी अपनी बात तो रखिए सर, बात तो रखिए, आप किस संदर्भ में बात रखना चाह रहे हैं, जब पॉलिटिकल इश्यू के संदर्भ में थोड़ा सा रखे थोड़ी सी बात राजेश रखे और अपना नंबर भी डालें। जी ताकि उसका कोई समाधान हो जाए। जी पॉलिटिकल इश्यू ये हो रहा है कि जैसे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को तो जुड़ना तो है ही है भाई बसपा से, और जहाँ पे हम बसपा की बात इसलिए करेंगे कि एक पार्टी अपनी भाई आग बन करके उसे ब्लाइंड किया जा सकता है, और जो निचोड़ आ रहा है दिल और दिमाग से चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा और फिर उत्तराखंड फिर यूपी के मैं सब घुमा हूँ, अभी ऐसी टूर पे था मैं अपने प्रोडक्ट लेकर, जो निचोड़ दिमाग से लोग क्या बोलते हैं बसपा को लाइक कर रहे हैं, पर हाईलाइट सब हुई है और मजबूरी में लोग बीजेपी को जा रहे हैं, तो इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है कि किया कैसे जाए, क्या इसको हम लोगों को पॉलिटिकल में भी बेस बनाना होगा ना बॉस, खाली ये तो चर्चा का विषय ये तो है ही है। ये चीज मैं अपने कई लोगों से इस विषय में बात किया कि इसको कैसे क्या किया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही पॉलिटिकल मंच भी तो खैर इसको नहीं बताया गया कि पॉलिटिकल मंच, ये तो खाली लोगों को जोड़ के हम मुक्ति मनाएंगे ताकि जी राजेश जी
हमने जुड़ने और जोड़ने की बात करी है, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको आह्वान किया कि भी जुड़ के आइए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम विद द पीपल किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता जी। हाँ, हमारे लिए सारी पार्टियों में जो भी है जो अच्छे काम करेगा जुड़ के आएगा, कि सारे सारे दलित पिछड़े और माइनॉरिटीज को लेकर जोड़ की बात करेगा, वो हमारे लिए सर्वमान्य है। बिल्कुल सही बात। नहीं, ये तो बात करने की बात नहीं है, सारे इकट्ठे होके आए, बात तो सारे करते हैं, सारे इकट्ठे होके आए। और अगर बसपा की बात करो तो बसपा के लोग आह्वान करें कि भी सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करें, तो इकट्ठा करें तो विद द पीपल ऑटोमेटिक इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो कि भाई जब तक आपके पास एक बड़ी सीट नहीं है, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे बिजनेस में हो, तब तक कैसे कैसे निवारण होगा ये SC ST OBC का। तो आप ये देखिए राजेश जी, भावना भावना मनी बहना, अभी यहाँ पंजाब में मुख्यमंत्री दलित बना दिया, शुल्कास्ट बना दिया, वो तो बसपा और अकाली दल की तोड़ से उसको बनाया गया। सुनिए, चार दिन में इतने काम हो रहे हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं, हमें जब भी कोई कोई चीज मिलेगी तो मजबूरी में मिलेगी जी, वो भी जरूरी है, मजबूरी अच्छी बात है। हाँ, मजबूरी भी जरूरी है, ये अपने अपनों का ही फायदा होगा, इसमें फायदा तो समाज ही का हो रहा है ना, बहुजन समाज का हो रहा है ना फायदा जी। जी, चार दिन में इतने काम कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने, आज 400 करोड़ रुपए का केवल अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से जो है ना वो जारी किए हैं एक जगह जाकर। तो वो इंडिविजुअल बातें मैं कर रहा हूँ कि जो मैं एक मिनट गौतम जी, तो जो साथी अभी भी था पीपल को आह्वान कर रहे हैं भी जोड़े और जोड़े, जो जुड़ के आएगा ताकत बनेगी, चाहे कोई भी हो आह्वान करें आप भी। जी नहीं, वो तो देख रहे हैं कि मैं ऑफिस समय बढ़ा दिया हूँ, मैं अपने ऑफिस टाइमिंग मैंने बढ़ा दिया, 10 बजे बढ़ा दिया, इसलिए कि मैं जुड़ा रहता हूँ। आप लोग हैं अकेले लगे रहे, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद द पीपल अभी डिक्लेयर नहीं करेगा कि हम किस पार्टी के साथ हैं। जी जी जी, वही चीज वही से हमने कहा, ये मंच एक्चुअली इसको भी मंच नहीं बनाया गया पॉलिटिकल। नहीं, चलो सुन ली आपकी बात, सुन ली इन्होनिया जी ने कहा था तो कोई बात नहीं, बात भी रहा है, कम से कम बहुजन समाज की बात तो हो रही, करना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, बोलिए गौतम जी। सर करमवीर जी, सर जो मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि जो वी द पीपल है वो कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर सकता है जो एक उसके फंडामेंटल्स को मतलब सही लगेगा। नया पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ जी, पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकली वी द पीपल की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। हमारा ये कहना है कि हमारा जुड़ने जुड़ने काम है, सब लोग एक साथ आए और सब लोग इस बार बैलेट पेपर लेके आए। अगर सब लोगों की इतनी औकात नहीं है कि सब इकट्ठे होकर बैलेट पेपर लाए तो फिर ईवीएम का बहाना ना बनाएं और हमको दोष ना दें। समाज तभी साथ देगा जब आप साथ होके आओगे, सब इकट्ठे होके आओगे। अलग अलग आते हो, समाज को दोष दे देते हो, खुद टुकड़ों में बटे हुए और कहते हो समाज साथ नहीं देता। तो पहले इकट्ठे होके आओ, वीदा पीपल कहता है इकट्ठे होके आओ तब समाज साथ देगा, ये आइडियोलॉजी है वीदा पीपल की। हाँ जी, ये मतलब आइडियोलॉजी ना बना के चलेंगे, वीदा पीपल पॉलिटिकल मंच क्रिएट कर रहा है ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, हम क्रिएट नहीं कर रहे, हम तो जो हमारे नेता है उनको नेता मानते हैं। हाँ बोलिए सर। अरे सुधीर जी, अरे एक छोटी सी बात, करमवीर जी प्लीज रिक्वेस्ट बोलिए। हाँ धन्यवाद तिलक राज जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ प्लीज, उसी से कनेक्टेड थी ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के सपोर्ट और इसकी जो बात आती है, ये अभी जो राजेश कुमार जी और इस तरह के जो लोग आते हैं कि किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, देखिए पॉलिटिक्स का जो रियल मतलब होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और सपोर्टबाजी नहीं होता है। हमें मतलब पॉलिटिक्स, हमको हम पॉलिटिक्स तो सभी है, हम सभी वोट डालते हैं। तो आप जो गांव है जहाँ पे हमारी जनसंख्या है, जो हम जिन लोगों की बात करते हो ज्यादातर वहां है, तो वहां पे भी पॉलिटिक्स बहुत होती है, वहां पे उन लोगों को जोड़े, ये भी बेसिकली जुड़ना और जोड़ना, पॉलिटिक्स इज नथिंग, जुड़ना और जोड़ना ही है। जो गांव में आप जो लोग जो है उनको आप जोड़िए राजेश कुमार जी, वहां पे उन लोगों की दिक्कतें हैं उससे आप यहाँ पे सॉल्व करिए, तो वो ऑटोमेटिकली पावर बनेगी। पॉलिटिक्स उसे बोलते हैं, असली पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप किसी BSP और उसको हम सपोर्ट करते हैं, वो नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है किसी पार्टी को सपोर्ट करना, पॉलिटिक्स होता है आप जुड़े और जोड़े, गाँव के लोगों को आप जोड़िए जहाँ पे आपकी जनसंख्या है, गाँव में गाँव का प्रधान है, वहां पे जो असली पॉलिटिक्स वहां खेली जा रही है।
आप बसपा और इस पार्टियों को भूल जाइए, अभी बहुत ऊपर के लेवल पे है वो, जब होना होगा जब हो जाएगा। अभी आप जिस गांव से हैं या जिस क्षेत्र से हैं उसके गांव के लोगों को जोड़िए, जोड़े और जोड़े, ठीक है जी, धन्यवाद। यही पॉलिटिक्स है जी। करमजीत सर, बस गए हैं तो कंसेप्ट के लिए फिर? नहीं नहीं, अभी दो तीन मिनट उसको बनते जी आए हुए अपने दम में। अच्छा, अपने रूम को दे दो तो वो ले लीजिए, आप ले लीजिए, वो बनते जी है हमारे दमदीप जी है ना शायद। बनते मैंने देखा था इसमें, नाम तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बनते जी आए थे, दमदीप है, दमदीप जी है, दमदीप दमदीप। हाँ बनते जी, बनते जी, दमदीप जी, जी अपना माइक कन्म्यूट करें प्लीज। बनते जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक कन्म्यूट करें। हाँ मेरी आवाज आ रही है बोलिए। बंते जी बोलिए, आज कुछ बोलिए किसी विषय पर। किसी विषय पे? अच्छा देखिए, जो आज का विषय है, जो कल सुधीर साहब ने कहा कि 23 सितंबर जी, 23 सितंबर को बाबा साहब ने संकल्प लिया था, तो इसी संबंध में घटना है। बाबा साहब इस समय अनन से आए सितारा रेलवे स्टेशन पर उतरे अपने गांव जाने के लिए, तो उनको कोई सवारी नहीं मिल रही थी, सारे दिन इंतजार करते रहे, कोई सवारी नहीं मिली। एक तांगा वाला आया, तांगा वाले ने कहा कि बाबूजी मैं देख रहा हूँ सुबह से आप बैठे हैं, क्या बात है, कैसे बैठे? कि मैं बताया अपने गांव के मामाऊ जाना चाहता हूँ, कोई सवारी नहीं मिल रही, आप पहुंचा देंगे, तो किराया तय हुआ कि अच्छा पहुंचा देंगे। तो बाबा साहब उस टांगे में बैठे और वो बाबा साहब को लगेज रख करके लेकर के चला, चलता रहा अपनी धुन में, गाता रहा चलता रहा, आधा सफर तय हो चुका था, पता नहीं क्या सोची उसको, सो वो बोल उठा, बाबूजी आप कौन है, किस समाज से हैं? तो बाबा साहब कभी झूठ नहीं बोलते, तो बाबा साहब ने कहा मैं अपरस से। कि बाबूजी कैसे आप मजाक करते हैं? कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि मैं हर जात से हूं। तो झट वो तो टांगा से कूद करके अलग खड़ा हो गया, बोला बाबूजी ये सूट फूट ने मुझे धोखा दिया, अब महर जाति से हैं, शूद्र हैं, तो फिर शूद्र की तरह रहो, ये सूट फूट क्यों पहनते हो? ये सूट फूट हम पहनते हैं, हम इंग्लैंड से आए हैं पढ़ करके, तो इसलिए पहनते हैं, वहां पहनते हम भी पहनते हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा आपको, आप मैं महर जाति से हूं इसलिए आप मुझे नहीं ले जाएंगे। कि नहीं मैं नहीं ले जा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, अब शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला, मैं कैसे पहुंचूंगा, मेरे पास बहुत सारा लगेज है। तो बाबा साहब ने उसे लालच दिया कि अच्छा तू दुगना किराया ले लेना, लेकिन भाई पहुंचा दे। उसको लालच हुआ तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक शर्त मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। क्या शर्त है? देखो टांगा मैं नहीं चलाऊंगा, टांगा आप हाकेंगे तब तो हम आपको पहुंचा सकते। टांगा कभी बाबा साहब ने हाका तो था नहीं, लेकिन पहुंचना था गांव, इसलिए वो तैयार हुए, उसकी शर्त मानी। बाबा साहब ने टांगा की जो है वो डोर संभाली और वो बैठा, चले हाक करके, तो कभी टांगा इधर जाता कभी उधर जाता, ऐसे आधा सफर और तय हो गया, और एक जगह जाकर के
वो खड्डे में पहिया चला गया सो टांगा गिर गया, टांगा भी टूट गया, बस साहब को भी चोट आई। अब तो मन थी पैसे भी दूने देने, अपने हाथ में अपना सूटकेस थामा, अपना लगेज लिया और लंगड़ाते हुए बाबा साहब को चोट लग गई थी तो चल लिए। अंधेरा हो चुका था गांव में, उस समय डिबिया जला करके लैंप वैम्प से काम करते थे। अपना घर का दरवाजा खटखटाया जाकर के आवाज लगाई, रमा रमा। तो रमा ने आवाज सुनी बाबा साहब की पत्नी ने कि तो बाबा साहब की आवाज है। वो चिराग लेकर के आई, दरवाजा खोला तो बाबा साहब को खड़ा देखा, कहा बाबा साहब ये कैसे आपको लंगड़ा कैसे रहे, क्या चोट लग गई? तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि देख रमा, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, वहाँ हमारा लोग कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, और जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। तो बाबा साहब ने अगर चाहते, आप लोगों में जैसे यहाँ लोग स्वार्थी लोग हैं, अगर स्वार्थ अपना चाहते तो अपने कहते रमा चल ऐसे देश में हम नहीं रहेंगे, वहां जाके बस जाएंगे, तो बाबा साहब वहां सेट हो जाते और आज बाबा साहब का परिवार धनी होता। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा होते हुए भी हमारा इतना ही अनादर होता है तो हमारे गरीब भाइयां अनपढ़ लोगों का क्या दशा होगी, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना होगा। तो बाबा साहब ने संकल्प लिया उस आज के दिन कि हमें कुछ करना होगा, हैं? तो अपना सारा जीवन बाबा साहब ने लगाया और आप लोगों को इस काबिल बनाया। लेकिन आज हमारा समाज बाबा साहब को भूल रहा है, उनका कृतज्ञ होना चाहिए समाज को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने आज जो हम शासन ले रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं, तो इस बाबा साहब की बदौलत तो उनको हम भूल गए, तो भूलना नहीं चाहिए हमें बाबा साहब को याद करके। और जो लोग समझ गए हैं, जिस काबिल हो गए हैं बाबा साहब की बदौलत, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं, जो शिक्षित नहीं उन्हें शिक्षित करें, जो सोए हुए हैं उन्हें जगाएं, जैसा कि बी द पीपल कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है हम सब मिलकर के। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि सबको जोड़ें एक साथ, तभी जो है जैसा हम जो बताया जा रहा कि संविधान की रक्षा कर पाएंगे, और इस संविधान को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद से विरोधी लोग लगे हुए हैं, और वो दिन दूर नहीं, यदि हम जो नहीं जागे आज तो फिर कोई बाबा साहब दूसरा पैदा नहीं होगा जो हमें जगाने आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप साधु साधु साधु। थैंक यू मंदिर जी, बहुत बहुत साधुवाद। अभी चलो 10 से होने जा रहे हैं तो कंसेप्ट करवा लेते हैं। तिलकराज जी माइक ऑन करो, अपना करवाओ, बोलो तिलक माननीय सुधीर राज जी, आप प्लीज आइए, वी द पीपल का कॉन्सेप्ट बताइए हमें, अवगत कराइए। दो चार बार माननीय और बोलो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा जल्दी। अच्छा सॉरी सुधीर जी, आइए प्लीज कॉन्सेप्ट बताइए। ऐसे ही फिर फूल माला लेके बैठे रहना और फिर गुलाम बन जाना, ऐसे ही ऐसे ऐसे ही बिगड़ता है आदमी। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी, कहा कि बिल्कुल सम्मान देने में कोई नुकसान नहीं है भैया, कोई भी साथी इस बात को हो कि सम्मान देने में दुख होता है, तो सम्मान नहीं दोगे आपस में तो किसको सम्मान दोगे? सम्मान देना चाहिए, खूब देना चाहिए, आपस में खूब सम्मान दो,
अरे प्रधान जी सम्मान नजरों में होता है, आप ना ठीक है, बोलने में भी सम्मान होना चाहिए, उससे भी काफी गुस्सा कम होता है सुधीर जी। बहुत बहुत सारे लोग माननीय बना बना के पछता रहे हैं, अब माननीय संविधान बोल लो, माननीय बाबा साहब बोल लो, ज्यादा अच्छा काम चल जाएगा। व्यक्तियों को इनको झाड़ू मारो, सबको माननीय कह रहा हूँ, मैं सबके लिए माननीय कह रहा हूँ, सबके लिए माननीय कहा बोलते हैं लोग, बोलिए सबके लिए माननीय, बोलिए क्या दिक्कत है, थैंक यू, चलो बोलिए। आज उन्होंने एंकरिंग करी, उन्हें करने दो, वो होपलेस हो जाएंगे आज। जी सुधीर जी बताइए। जी 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 बहुत बहुत साधुवाद सुधीर जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। परिचय के कार्यक्रम में अब आगे मैं नाम लेता हूं संजीव पिंगोलिया जी का, प्लीज आइए अपना परिचय दीजिए। लगराज जी, जी परिचय के साथ साथ सबसे ना दो दो तीन चार चार मिनट का विदा पीपल का फीडबैक लो आप। ठीक है सर। सर वो बच्चा ही है मेरा सर, वो सुधीर राज जी को सुनने के लिए ही वो अटेंड करता है सर। अच्छा परिचय ले लीजिए। जी जी सर मैं सर जयपुर से हूँ, भागचंद पिंगोलिया, और मैं अध्यापक हूँ, और मैं करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, और आप सब लोग हैं जुड़ने जोड़ने के अभियान में, अपन सब लोग शरीक हैं, और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि सुधीर राज जी सब कुछ बोल देते हैं, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है, और वो सारी चीजें पॉइंट सब कवर कर लेते हैं, जो भी कहना है वो कह देते हैं, जो सच है वो कह देते हैं, भाई आने वाले समय में ये सब होने वाला है। बाकी बहुत सारे विद्वान साथी बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, हम उनसे अप्रिशिएट हैं, और निश्चित रूप से हम इस अभियान को तन मन धन से और पूरे मनोयोग से बाहर घर से बाहर निकल निकल करके लोगों को जगाएंगे, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ाइए सर। जी आगे इसी क्रम में ये कोई आर से जुड़े हुए हैं, आर वो आइए कृपया बताइए, अपना परिचय दीजिए। रमेश खटके जी के कुछ महाराष्ट्र लोग आने वाले थे, उनको दे देना मंच, वो रमेश खटके जी। अच्छा। क्या होता महाराष्ट्र लोग तो उन्हीं को दे देते हैं सर, वो काफी मेरे को थोड़ा सा हाँ दो तीन है एंड रेज है। हाँ, सर पहले जी जी बोलिए सर, पहले हैंड रेज होने दीजिए सर। हाँ जी बोले लूंगा लोगों को, पहले हैंड रेज कीजिए। ओके ओके, ये रघुनाथ अहिरवार जी हैं, हैंड रेज है, कृपया आइए बताइए, वी द पीपल का कॉन्सेप्ट बताइए, अपना परिचय दीजिए। सर मैं रघुनाथ अहिरवार भोपाल से बोल रहा हूँ, मेरा परिचय तो हो गया था सर। दीपक कुमार मोदी जुड़े हुए हैं सर, उनका परिचय ले लीजिए। हाँ बुलवा लीजिए उनको। दीपक कुमार मोदी सुन पा रहा है सर? हेलो दीपक कुमार बोध जी छत्तीसगढ़ से। दीपक जी आप कहीं आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए। चलो बाद में ले लीजिएगा, बाद में ले लीजिए। नगराजी एक यशपाल पावा साहेब नया नाम है, एक जवाहर आजाद भी नए साथी हैं शायद, ये पहले नाम बुलवा लेते हैं सर। यशपाल जी आइए अपना परिचय दीजिए। मिस्टर यशपाल जी यशपाल पावा जी सर नंदेश चिंचोड़े जी है। हाँ जी नंदेश चिंचोड़े सर आप बात सुन रहे हैं मेरी? अपना परिचय दीजिए। नंदेश चिंचोड़े सर। हेलो सर मेरी आवाज आ रही?
जी हाँ जी हाँ, माय सेल्फ यशपाल भगत फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एक्स प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जेएंडके। जी जी, तो बस आपकी मीटिंग सुन के बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जब तक हम एक नहीं होंगे, हमारा ड्रीम एक नहीं होगा, हमारी आवाज एक नहीं होगी, तो हम जीतेंगे कैसे? और जब तक जीतेंगे नहीं तो कुछ बनने वाला तो है नहीं, तो हम कहाँ क्या करें? कुछ हमें बताएं, हमें गाइडलाइन करें कि हम क्या करें, किस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें बचा सकता है? क्योंकि अगर गले से हांडी उतरवानी है तो अगर हमने फिर से वो मरे हुए पशुओं का मांस खाने से बचना है तो वो कौन सा संगठन है जो हमें इस वक्त इकट्ठा होकर के बचा सकता है? प्लीज प्लीज रमेश करके जी जवाब दीजिए। हेलो जी जी सर, सर जी अभी तक सुधीराज संत सिंह सर ने जो बताया आपके सवाल का जवाब है, आवाज गड़बड़ हो रही है सर, और माइक में गड़बड़ हो रही है, आवाज में गड़बड़ हो रही है, माइक में डबल आवाज अनम्यूट करो सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हमारे पुरखे जो जानवरों का मांस खाकर जिए है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो इकट्ठा रहे हैं, जैसे कि सुधीराज सर ने कहा कि बुद्ध के जमाने के बाद जो भी लोग इकट्ठा रहे, जब तक इकट्ठा रहे तब तक वो उनका राज चलता था। आज भी बाबा साहब ने हमारे पास इतना बड़ा संविधान दिया है, अगर हम संविधान की एक एक लाइन अगर पढ़ते हैं और एक लाइन पे दो लाइन पे अगर हम एक जगह पे एक काम के लिए अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है। इसी के ऊपर हमें ही सोचना होगा कि क्या सोल्यूशन है हमारा। तो हमारी बात अगर हम गौर से सोचेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, उसके लिए पहले थिंक सोचना होगा, गहराई से सोचोगे तो हमारा ही आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर बहुत सोचते हैं, हम सोल्यूशन में नहीं आते। जितना हम सोल्यूशन में आएंगे हमारे सामने हजारों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा, हमें संगठित रहना होगा, और संगठित रहने के लिए वी द पीपल जैसा प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध हुआ है, हम उसमें इकट्ठा रहेंगे, एक दूसरे की बात सुनते रहेंगे, हम एक दूसरे को समझते जाएंगे तो अपने आप बात बनते जाएंगी, काम सामने आएगा, हम उस काम करने के लिए लायक हो जाएंगे और काम करते जाएंगे, तो उसका रिजल्ट बनने ही वाला है। धन्यवाद सर। ये ज्ञान सिंह जी है, इन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। ज्ञान सिंह जी आइए, सभी को जय भीम नमो बुधाए। जी जय भीम नमो बुधाए। सर मैं काफी टाइम से सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा सहयोग करने के लिए। सर आज पहला ही दिन था मेरा, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं जी। जी कहाँ से हैं, कुछ इंट्रोडक्शन तो दीजिए। ज्ञान सिंह जी आप आए थे, और ज्ञान सिंह जी आप आए थे लेकिन आपने अपना परिचय नहीं दिया सर, अपना परिचय तो दे दो सर। सर मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक एथलीट हूँ मैं, इंटरनेशनल लेवल का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ये वही ना बात, देखो अपनी जानकारी जब तक नहीं बताओगे लोग एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे। सर सुनीता कश्यप जी को जानते होंगे ना फिर तो आप? हाँ जी सुनीता कश्यप जी को जानते होंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ, वो मेरे पास आई थी, उनके ब्रदर आए थे प्रदीप जी, और वो भी बाद में आए तो उनको अभी मैंने ज्वाइन करवाया था मिनिस्ट्री में, तो अभी उनको काम हम मिल गया, उनके भाई को भी बोर्ड चेयरमैन बनाया गया है हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और सुनीता जी को पहले पड़ियार साहब के साथ जुड़ा था, फिर उन्होंने मेरे को बताया, और काफी समय से टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को, जिस कारण मैं जुड़ नहीं पाया। जी जी प्रदीप जी भी जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, वो सुनीता जी के ब्रदर हैं, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी रही हैं। अनुराग कुमार और बबली हीरा जी सुन रहे हैं क्या आवाज? अनुराग कुमार बबली हीरा मैंने मैडम तो आ गई। हेलो, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है पहले। हाँ हाँ मैडम, मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा था कि
आप लोगों ने अपना जो ये था कैमरा था ना वो छत पे लगाया हुआ था, पंखे देख रहे थे दोनों के। नहीं नहीं अभी दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो अभी दिखाई दे रहा है सर। मैंने मैं आपको अच्छी तरह सुन रहा था, कुछ काम भी कर रहा था, आपको सुन भी रहा था अच्छी तरह से भी। अच्छी बात है, लेकिन हम आपको पंखा दिखाई दे रहा है ना, या तो वीडियो बंद कर लेना चाहिए या वीडियो फिर कुछ तरीके से रखना चाहिए जैसे आप देखने चाहिए। पंखा सुन रहा है। महाराष्ट्र के लोगों को ले लिया, जो लोग रह गए उनसे थोड़ा आज फीडबैक का देना है, लोग अपना जो साथी जो पुराने ना उनसे दो दो मिनट का फीडबैक लेना है। ये संजय वानखड़े साहब का हैंड रेज है सर, पहले उनको ले लेते हैं। संजय वानखड़े साहब प्लीज अपना परिचय दीजिए। वानखड़े साहब, संजय वानखड़े जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर जी, यस यस बात कीजिए प्लीज। हाँ सब सब लोग सुन रहे हैं मुझे, सबके आवाज सबको। हेलो बोलिए ना। हाँ सर जी, मैं बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही। दिनों से नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है सर। हाँ तो बहुत बहुत पहले पहले सर बहुत बहुत अच्छा लगता है हमारे वहाँ कटके साहब जी और सुधीर सिंह जी की जो लेक्चर्स है, जो धर्म के बारे में है, धर्म के बारे में है, वो सब मैं सुनता था। और फेसबुक पर जो भी उस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो अभी अभी आ रही है सर जी। हाँ यस यस अभी आ रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, ब्रेक ब्रेक हो रही है, बिल्कुल। तो सबको साथ दूंगा, सबको होता है और उन्हें मेरी बात रख रहा हूँ। भाई साहब गिटार बज गया आपके फोन से। गिटार मैं तो कह रही हूँ गिटार बज रही है, ऐसे आवाज आ रही गिटार की तरह। अच्छा हमारे बीच नंदेश चिंचोड़े साहब है। अभी आ रही है नंदेश चिंचोड़े सर। हाँ हाँ यस बात अपना परिचय दीजिए और आपको वी द पीपल के बारे में कैसा लगता है ये बताइए प्लीज। ओके 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 जय भीम, नमो बुद्धाय सर, सब लोगों को, सब लोग को। मैं यवतमाल जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मैं यवतमाल जिले में शिक्षक कार्यरत हूँ। आपके जो कार्यक्रम है सुधीर राज सर का जो व्याख्यान है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आदरणीय कटके साहब की तरफ से ज्वाइन हुआ हूँ और कटके साहब का भी लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। विद द पीपल की तरफ से जो इकट्ठा होने की बात करें वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और ये आज की स्थिति में जो गवर्नमेंट की नीतियां है, शिक्षा नीति है, सामाजिक नीतियां है, आर्थिक नीतियां है, उसके अपोज करने के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इसलिए ये जो आपका उपक्रम है बहुत ही अच्छा है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ और मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद धन्यवाद चिंचोड़े सर। हमारे बीच में प्रीति बंसोड़ जी है। प्रीति बंसोड़ मैम क्या आप बात सुन रहे हैं हमारी, कृपया अनम्यूट कीजिए और अपनी बात कीजिए, परिचय दीजिए और एक मिनट में कहिए कि आपको विद पीपल के बारे में क्या लगता है। प्रीति बंसोड़ जी हेलो हेलो यस मैम
हाँ जय भीम सर। जय भीम मैं बोल रहा है। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम सभी को संगठित होकर काम करना चाहिए। और मेरा नाम प्रीति बंसोड़े, आपने जैसे नाम से बुलाया मुझे, और मुझे ये लगता है कि हमें सच में छोटे स्तरों पे जाके सबसे मिलके और लोगों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाज में लोग संगठित होना नहीं चाहते हैं, अगर उनके पास बोलो कि ये धम्म की पुस्तकें हैं, बाबा साहब का ज्ञान है, तो कोई नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलते नहीं नहीं इससे तो अच्छा कर लेंगे। मैं सोचती हूँ कि ये जो ग्रुप बनाए हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है। और प्रीति जी आप क्या करते हो? हाँ सर, मैं एमएस सोशियोलॉजी में मेरा कंप्लीट है, सेंटर चलाती हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक एनजीओ का मतलब अपनी तरफ से शुरुआत करने की कोशिश की है, जिसमें मैं ऐसे लोगों मतलब गृहणियों को रोजगार देने का काम कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया। जो छोटे बच्चे हैं सर, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का और पढ़ने में इंटरेस्ट बनाने का, ये मैं थोड़ी सी अपने तरफ से प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच प्रवीण नाइक साहब हैं। प्रवीण नाइक साहब, आप क्या हमारी बात सुन रहे हैं? प्रवीण नाइक जी, हेलो। हाँ, अपना अनम्यूट कीजिए, आप बात कीजिए। आपको कैसा लगता है विद पीपल के बारे में? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ यस यस, कीजिए बात कीजिए। हाँ सर, सर मैं लास्ट टाइम भी आपसे जुड़ा हुआ था, अपने सब पे मेरा मैंने परिचय दे चुका हूँ। नहीं नहीं, हर दिन देना होता है जो, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं हर दिन, इसलिए हम परिचय दे तो अच्छा हो जाता है। हाँ सर, मेरा नाम प्रवीण नाइक है, मैं महाराष्ट्र से पुणे डिस्ट्रिक्ट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जो मेरे जो स्नेही है जो प्रमोद जी गरड़, तो उनके उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये जो संगठन है, तो उनके वजह से मैं इस संगठन में जुड़ा हूँ। संघ है जो उसमें मैं जुड़ा हूँ। और मैं काफी मतलब मैं एक 8-10 दिन हुआ मैं आपका सब जो है जो हमें जो आपके जो विचार है वो सब मैं सुन रहा हूँ। आपके अपना जो विचार है संघ का, जो अपना अभी मैं आपका नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम सब अभी एक ही है, तो अपने जो संघ के जो विचार है ये काफी अच्छे विचार है कि हम सब एक दूसरे को जुड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। और सर मैं थोड़ा मेरे परिचय दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा इधर सिविल लाइन में मैं पुणे में मेरा काम चल रहा है, और मैं छोटा सा एक मेरा मतलब एक काम है, और मैं एक विश्व रत्न फाउंडेशन के वजह उसमें ही मैं काम करता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें ही मेरा थोड़ा सा एक सामाजिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं मगर छोटा सा एक योगदान है। मैं सभी इसमें सामाजिक करों में मैं थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा योगदान होता है सर जी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत जुड़े रही है, और हर दिन आप अगर जुड़े रहोगे तो हम अपनी विचारधारा को हम बढ़ाते जाएंगे और हमारे बीच में एक रहने की भावना बढ़ती जाएंगी। राजकुमार बड़ोले साहब हमारे बीच में भंडारा से, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? राजकुमार साहब प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी बात कीजिए। राजकुमार बड़ोले साहब। हाँ जी, सभी को जय भीम, जय बुद्धाय, जय संविधान। मैं रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ, बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ, और शुरू से करीब 30 साल पहले से सामाजिक सेवा और बॉम्सेप से जुड़ा हुआ हूँ। अभी हाँ अभी भी हम छोटे मोटे सामाजिक कार्य कर रहे हैं और करते रहते हैं। ये जो संघ बन रहा है अपना विदी पीपल का, ये बहुत अच्छा संघ बन रहा है। हर एक व्यक्ति अगर इससे जुड़ेगा और जुड़ के ये कारवा बनते जाएगा तो डेफिनेटली हम अपने मिशन जो है आगे का एम उसमें सफल होंगे। बस यही एक कहना है। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए, महाराष्ट्र से लोग एक दो ही जुड़े हैं, हम बाद में बात करेंगे सर, प्लीज कंटिन्यू। सर एक हैंडरेज है, उनको बुला लीजिए, राकेश कुमार नीम सर। करमवीर जी हैं क्या? राकेश, हेलो हेलो
हाँ राकेश कुमार निमन जी प्लीज। हेलो बोलिए बोलिए निमन साहब, बात कीजिए बात कीजिए। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। नमोबुद्धाय जय भीम सर। के मेंबरों को मेरी तरफ से, मैं अंबाला कैंट से राकेश कुमार निमन बोल रहा हूँ और मैं LIC से 32 साल की सर्विस करने के बाद में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पे अंबाला में अम्बेडकर सभा से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं 4 साल तक यहाँ पे एज ए अम्बेडकर सभा का मैं पैटर्न भी रहा हूँ। तो मैं आपसे एक दो बात कहना चाहता हूँ। पहली तरफ से यह है कि मेरे पास बच्चों की बहुत सारी किताबें रखी हैं फ्रॉम 6 से लेके और ग्रेजुएशन तक, तो वो मैं मेरे पास ऐसे रखी है। तो मैं अगर अपने कोई संस्था के ग्रुप के कोई मेंबर हैं अगर उनको वो किताबों की जरूरत है तो मैं उनको पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है सर। हेलो बिल्कुल हेलो बोलिए बोलिए। कंटिन्यू रखिए सर आप। अच्छा अच्छा बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं क्योंकि कुछ किताबें मेरे पास मेडिकल की हैं, कुछ किताबें मेरे पास इंजीनियरिंग की हैं, कुछ किताबें मेरे पास साइंस माइक्रोबायोलॉजी वगैरह की हैं। कौन सी क्लास की है? मेरे पास फ्रॉम 6 से लेके MSc तक और कुछ मेडिकल्स की हैं और कुछ इंजीनियर्स की हैं। मेरा बेटा आपके अंबाला में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, काफी सलम एरिया है। अंबाला में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बाइक कुरियर भी भेज सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वी द पीपल से मैं जुड़ा हुआ हूँ 6-7 दिन से और मैं डेली आता हूँ, एक आध दिन नहीं आ पाया तो ओम प्रकाश जी ने मेरे को जोड़ा था। तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वी द पीपल के थ्रू आम आदमी की कैसे मदद कर सकते हैं और जो हमारा जो गरीब लोग हैं उनको वी द पीपल से क्या फायदा हो सकता है और हम लोग वी द पीपल से जुड़े हुए लोग हैं उन गरीब आदमियों का कैसे मदद कर सकते हैं। और वी द पीपल का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम लोग जुड़ रहे हैं जैसे कि हम आगे जो भी प्लान बनाएं अकॉर्डिंग द वी द पीपल के हिसाब से बनाएं कि वी द पीपल का काम करने का ये मतलब है और इस तरह से वो काम करना चाहते हैं और उनका ये मेन टारगेट है। जैसे कि कुछ लोगों का टारगेट है कि पॉलिटिकल से जुड़ना है, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि हम समाज के ऐसे लोगों को जोड़ें, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि हम लोग कुछ गरीब लोगों की मदद करें। तो कुछ एक तो हमारे को वी द पीपल का द्वारा मिल जाए कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और हमारे को क्या करना चाहिए। और मेरा एक सिद्धांत है कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं होता कि मेरे को वी द पीपल से या और किसी लोगों से मेरे को क्या बेनिफिट होगा। हमेशा मेरी इच्छा रही है कि मैं वी द पीपल के थ्रू लोगों की कैसे मदद करूं, खास तौर से ऐसे गरीब लोगों की जिनको रियली हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। तो इस बारे में मैं अपना जो अपने एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जानना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी या तो आप बताएं या सुधीर जी आप बताएं, क्योंकि जो जो आपके वो हैं वो मैं लिखता जाता हूं और फिर जैसे है उसी हिसाब से फिर मैं काम करूं और आपसे आगे फर्दर बातचीत करूं। राकेश कुमार मैं कहना चाहता हूं जय भीम नमो बुद्धाय। सुधीर साहब मैं आपको बहुत सुधीर साहब मैं आपकी बात है मैं एक बात और एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं और लिखता भी हूं। ये सारी जो मीटिंग है आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, फेसबुक पर लाइव चलती है, ये वी द पीपल का एक फेसबुक का पेज है। अच्छा ये लाइव चलती है, किसी को अगर दोबारा सुननी हो तो वी द पीपल के पेज पे जाके वो सुन सकता है। अच्छा राकेश कुमार निम जी जो काम आप कर रहे हैं ये भी वी द पीपल का काम है। दरअसल वी द पीपल के सारे काम हैं जो आपने बताए हैं और जो आप नहीं बता पाए हैं वी द पीपल सब में डील करता है, क्योंकि जो लोग हैं जो हम लोग हैं हम ही सारे काम करते हैं, इसलिए सारे काम हमारे हैं। ये किताब देने का, लोगों को पहुंचाने का, ये पढ़ाने का, ये भी हमारा काम है, पढ़ने का काम भी हमारा है, बांटने का भी हमारा है। जो जितनी भी चीज बाबा साहब ने बताई है, जितनी भी जीवन में इस्तेमाल होती है, उन सब में वी द पीपल चलता है, क्योंकि अगर हम लोग हैं तो हम लोगों के लिए सब चीज चाहिए, इसलिए वी द पीपल संघ है और संघ में जितने भी लोग हैं सारे आते हैं और वो सब काम करते हैं, इसलिए सब काम जरूरी है, ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है, जो हमारे उत्थान और हमारे सुख के लिए है वो सब काम हमें चाहिए और सब काम हम करेंगे और सब काम हम करते भी है, बस इकट्ठे होकर करेंगे। और डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर जी हैं क्या सर? सर
डॉक्टर जीपी सिंह अम्बेडकर जी, आप मंच चलाइए जरा आगे, सब लोगों से उनका पूछिए और दो दो मिनट सबसे विद द पीपल का एक्सपीरियंस भी लीजिए। सर निवेदन करता हूँ, बहुत साधुवाद सर। मैं इसी क्रम में हमारे बीच में जुड़े हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह बरेली से। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब पहले अपना एक परिचय सबको दे दो, आप पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं तो सबको अपना परिचय दे दो। ओके सर, ओके। साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, मंडल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं वी द पीपल में लगातार जुड़ता हूँ और स्पोक्स मेंबर हूँ। साथियों, आज फर्स्ट टाइम मेरे को एंकरिंग करने का अवसर प्रदान मिला है, इसके लिए सभी साथियों का बहुत साधुवाद। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी को कि वह आए और अपना परिचय दें। सभी लोगों को जय भी नमोदय, जय भी नमोदय। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पीलीभीत और बरेली में रहता हूँ और बरेली मंडल है। और डॉक्टर आपका स्वागत है। आपको ये लिंक कहाँ से मिला? मैं डॉक्टर कंचन लता, मेडिकल ऑफिसर, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा और न्यू बुलंदशहर से जी। आपको लिंक कहाँ से मिला जी? जेपीएम। आपको लिंक कहाँ से मिला? ये लिंक जेपीएम मेडिकल जी से। जी जी जी, आप बने रहे। डॉक्टर गुरमीत राम जी ये लोग हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप बने रहिए यहाँ पर और अपना इसी तरह से परिचय देते रहिए और लोगों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जुड़े हैं राम अवतार जी। डॉक्टर जीपी अम्बेडकर जी, सर आज फीडबैक का दिन है, दो दो मिनट ये पूछिए कि वी द पीपल कैसा लगता है, कोई कमी हो तो दूर करेंगे ना उसको। ओके सर, ओके ओके, चलिए सर, थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ राम अवतार जी को कि वे आए और आज वी द पीपल के कॉन्सेप्ट में दो मिनट में अपनी बात को रखें कि वी द पीपल का क्या ऐसा कॉन्सेप्ट कैसा लगता है उनको और इसको बेहतर करने के लिए और क्या प्रयास करने चाहिए। राम अवतार जी। सर सभी को मेरा नमोदय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, हाँ आ रही है। तो सर सभी को नमोदय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मैं वी द पीपल से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ, बहुत अच्छा लगता है और इस संघ में हम सबको ये प्रयास करना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें। वी द पीपल एक ऐसा संघ है कि हम इस जोड़ को पूरे देश विदेश दुनिया में जुड़ करके हम अपना बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है वो जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। तो इसलिए वी द पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम सबको ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए, यही मेरी संदेश है। मैं सभी को पुनः नमोदय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद रावतार जी, बिल्कुल आप जुड़ते रहिए हमारे बीच में और निश्चित हम लोग से प्रेरणा मिलेगी। इसी क्रम में हमारे साथ एक साथी का हैंड रेज है, विनोद गायकवाड़ जी, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे भी कृपया करके आए और आज के वी द पीपल के कॉन्सेप्ट पे अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। हाँ, मैं विनोद गायकवाड़। विनोद गायकवाड़ जी, सभी को मेरा सविनय, जय भीम, जय भीम। मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और पिछले कुछ दिनों से वी द पीपल ये जो संघ है इससे जुड़ा हुआ हूँ। खास करके हर रोज हमको जो ये लिंक मिलती है वो आदरणीय कटके साहब से मिलती है और वो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कई सालों से उन्होंने हमको बहुत सारी हेल्प की है और गाइड करते रहे हैं। मैं जो हूँ वो मेरा बेस है सोशल वर्कर का और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, जो कि मैं त्रिरत्न बुद्धिस्ट महासंघ से बिलोंग करता हूँ और मानुष की नामक जो ट्रस्ट है पुणे एरोड़ा में वहां से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों भी सोशल वर्कर है, मेरे वाइफ का भी MSW हुआ है और हम कई सालों से
अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि महिला सबलीकरण के लिए काम कर रहे हैं, एट्रोसिटी की जन जागृति के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं, खास करके अभी कोविड के काल में जो भी बच्चे शिक्षित से वंचित है उनका हम घरेलू ट्यूशन ले रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग की गाइडलाइन कर रहे हैं, और जो भी संबंधित कोविड के कालावधि में कोविड की काल में जो नीडेड पीपल थे, जिनको अनाज की जरूरत थी, उनको भी हमने मदद किया है, और इस पूरे समय में कटके सर ने बहुत सारा हेल्प किया है। तो अल्प सा में मेरा परिचय देके यहाँ पे रुकता हूँ, और दो चीजें मैं यहाँ पे वी द पीपल के लिए रखना चाहता हूँ। एक है कि यहाँ पे यंग लोगों की कमियां लगती है मुझे, और मुझे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों के पास कैसे जा सकते हैं, ये थोड़ा हमको सभी को देखना चाहिए, लिंक सभी को, हमको यंग पीपल को कैसे मिल जाएंगे, इसकी हम तैयारी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और दूसरा, इसका हर रोज हम कर रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना परिचय देते हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या हो रहा है उसको हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे, उसका आउटपुट क्या है अलग थीम में जाके, तो अच्छा रहेगा। सो थैंक्स फॉर एवरीवन टू लिसन मी एंड गिव मी अ चांस। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायकवाड़ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और आउटपुट तो देखिए आपके सामने ही है कि कभी हम 50 थे, आज हम 150 और पौने 200 की संख्या में होते जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हजारों लाखों की संख्या में यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आउटपुट है, और इसके अलावा बाकी जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे ही हम अर्थ की और राजनीति की हर तरह सेक्टर में बातें करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर ये भी लगता है कि हम कोई हमें परिचय देता है, कोई कहीं का दे रहा है, कोई कहीं का दे रहा है, तो हमें ये लगता है ना कि हमारा आदमी वहाँ भी है, कल को वहाँ में हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वहाँ हम खाली नहीं है, वहाँ भी हमारा आदमी है। बिल्कुल सर, बड़ी बात है। जी सर जी, थैंक यू सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एके सिंह जी को। एके सिंह जी कृपया आए और वी द पीपल के कॉन्सेप्ट में अपने वक्तव्य को रखें कि आपको कैसा लगता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं। एके सिंह जी प्लीज। थैंक यू सर, सभी जी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। एके सिंह जनपद संभल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, छोटा मोटा सामाजिक काम करता रहता हूँ। विदा पीपल की जहाँ तक बात है तो विदा पीपल ने हमको जुड़ने का कॉन्सेप्ट दिया है और जुड़कर जीतने का कॉन्सेप्ट दिया है, और हर व्यक्ति जो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो जीतने के लिए करता है। कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो वह भी किसी नौकरी को प्राप्त करके उसे जीतने का प्रयास करता है कि मैं जीतूं, उस परीक्षा में सफल हो जाऊं। हम अगर जुड़ने की अगर कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो हमें मुसलमानों से अगर हम सीखें इसको कि मुसलमान जो है पूरे इंडिया में अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, और जब भी उन्हें कोई अपना फतवा जारी करना होता है तो वो मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहां से अगर उन्होंने कोई फतवा जारी कर दिया है तो उसको एक मिनट के अंदर पूरे इंडिया में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने फतवे को जारी करके अपने समाज को जगाने का वो लोग काम करते हैं, उसी प्रकार से विदा पीपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा संघ है, अगर हम इस संघ से सब लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात को देश के इस कोने से लेकर के और दूसरे छोर तक हम इस बात को पहुंचा सकते हैं, तभी हम लड़ भी सकते हैं। जैसे बीच बीच में बताया जाता है कि 2 अप्रैल 2018 को हम लोग जुड़े थे, और वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़े थे, और जुड़ करके हमने अपना एक अधिकार बचा लिया था। इसी प्रकार से हमको जुड़ना होगा, जुड़ेंगे तो हम अवश्य जीतेंगे। और हमें देखिए, हमारे लोगों के पास, मैं अभी आज एक इनकम टैक्स में काफी अच्छी पोस्ट से वो रिटायर्ड हुए, जब मैंने उनसे पूछा कि आप जूम ऐप चलाते हो, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। हमने कि आप अपडेट नहीं है। मैंने खैर उनको काफी झकझोड़ा, मैंने रिटायर थे वो, तो मैंने उनको एक बात बताया कि हमारे व्यक्ति के पास समाज में जो बाबा साहब ने कहा कि हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए,
तो उससे बचने के कितने तरीके हैं, तो वो मैंने उनको बताया कि भाई हमारा आदमी जब पढ़ता है, जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं या हमारा व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसके पास बहाना इतना बढ़िया होता है कि अभी तो मैं अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा हूं, अभी मैं समाज का काम कैसे करूं। फिर उसके बाद वो तैयारी करता है किसी कंपटीशन की, फिर भी कहता है कि मैं तो भी तैयारी कर रहा हूं अपने भविष्य को संवारने के लिए, अब मैं समाज का काम कैसे करूं, बाबा साहब के मिशन का काम कैसे करूं, अपने महापुरुषों का काम कैसे करूं। उसके बाद में उसकी नौकरी लग जाती है और नौकरी लग करके अपने खूब अच्छे से जीवन बसर करता है, फिर कहता है कि भाई मेरी नौकरी लग गई, अब मैं सरकारी तंत्र से जुड़ा हूं, मैं प्रशासन से जुड़ा हूं, मैं अगर काम करूंगा कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे बच्चे भूखे ना मर जाए। उसके बाद उसे यहां भी समाज सोचता है कि ठीक है भाई, इसके पास बहाना है क्योंकि उसके पास रेपुटेशन होती है, स्टेटस होता है, लोग समझ सकते हैं भाई बड़ा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी, शायद सच कह रहा है। उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, उसका जो सरकारी तंत्र है पूरा जूस खींच लेता है। रिटायर होने के बाद फिर कहता है कि अब तो मैं रिटायर हो गया भाई, अब मैं कैसा करूं, मैंने पूरा जीवन तो सरकार को दे दिया, पूरा जीवन तो मैंने प्रशासन को दे दिया, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब तो मैं रिटायर हो चला हूं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई काम कब करोगे। बाबा साहब का माल तो आपने जब से बचपन से पैदा हुए हो और रिटायरमेंट तक, और रिटायरमेंट के बाद तक भी आपने बाबा साहब के बगीचे का सारा माल खा लिया भाई, और काम करने के लिए कभी आपकी पढ़ाई हो रही है, कभी आपकी तैयारी हो रही है, कभी आपकी नौकरी चल रही है, रिटायर होने के बाद में अपने बहू बेटों की सब्जी लाने का काम करना शुरू कर देते हो। तो मेरा निवेदन इस मंच से यही है कि भाई अपनी जिम्मेदारी को समझिए। विदा पीपल का, जैसे सेना का प्रत्येक सैनिक मजबूत होता है तभी वो पूरी सेना मजबूत मानी जाती है, ऐसा नहीं कि केवल श्रीमान सुधीर जी मजबूत हो गए तो समझो हमारा विदा पीपल मजबूत हो गया, करीम बेग जी मजबूत हो गए तो हमारा विदा पीपल मजबूत हो गया। इस विदा पीपल के हर व्यक्ति को मजबूत होना पड़ेगा, और जहां भी वो व्यक्ति है उसे विदा पीपल के कॉन्सेप्ट के अनुसार, बाबा साहब और महापुरुषों के विचारधारा के अनुसार पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, चाहे विचार की करें, चाहे धन की करें, चाहे समय की करें, ये हमें करना पड़ेगा अगर बचना है। नहीं तो जो हमारे बड़े भाई सुधीर जी बता करके गए हैं कि वो मरे का मांस भी शायद नसीब ना होगा और लंगोटे में हम लोग आ जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नवोदय। नवोदय जबीम, बहुत बहुत साधुवाद किशन जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अर्चना गौतम जी को, उन्होंने हैंड रेज किया था, कृपया करके अपना वक्तव्य देने का कोशिश करें। सिंह जी, जेपी सिंह जी, ये थोड़ा सा एक बार बोल दो, जो नए साथी आए हैं वो अपना हैंड रेज करके बताए, वो ना रह जाए कोई, शायद एक विजय जो मैं बता देता हूँ, एक विजय है वो शायद नए है, एक देवीदास मेटांगे हैं, और एक विजेंद्र सिंह लुधियाना से, ये भी शायद न्यू है, तो ये तीन नाम एक बार बोल दो। साथियों जो हमारे बीच साथी जुड़े हैं तो मेरा उनसे प्रार्थना, विजय है एक तो विजय HSR लिखा हुआ है, एक देवी सर, सर, दास सर, सर, मेटांगे हैं, और विजेंद्र सिंह लुधियाना। देवीदास मेटांगे साहब को बात कर रहे थे कि परियार सर? हाँ जी, हाँ जी, हो गया उनका क्या? नहीं नहीं, देवीदास मेटांगे साहब, मेटांगे साहब क्या आपकी बात सुन रहे हैं? मेटांगे सर, मेटांगे साहब, सर देवीदास मेटांगे साहब, अच्छा अच्छा, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। सर सर, वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि वह साथी जो पहली बार जुड़े हैं या नए जुड़े हैं और अपने चाहते हैं, कृपया करके वे हैंड रेज कर दें। हैंड रेज आप कर देंगे तो मैं आपको अच्छे से इन्वाइट कर सकता हूँ और अपनी बात आप परिचय दे सकते हैं, मेरा ऐसा अनुरोध है। और इसी क्रम में जैसे मेरे को अभी रिहा सर ने बताया कि विजय हमारे बीच में जुड़े हैं, विजय HSR, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके वे आज के कॉन्सेप्ट अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें कि विद द पीपल को आपको कैसा लगता है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है, अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, फर्स्ट टाइम है तो अपना परिचय देंगे प्लीज। जय भीम सर। विजय जी, नमस्कार। जय भीम जी, मैं हिसार से हूँ सर, हिसार हरियाणा से। ओके, और बम सेफ में काम करते हैं सर, परिहार साहब के साथ जुड़े हुए हैं, परिहार साहब लिंक भेजते हैं तो जुड़ जाते हैं सर हम, और वैसे भी सुधीर राव जी को काफी सुनता रहते हैं, और
मिशन से तो जुड़े हुए हैं सर हम तो जी। आप पहले भी जुड़े हैं क्या, आज फर्स्ट टाइम हो विजय? ना ना, काफी बार जुड़ता हूँ मैं, डॉक्टर सुमेर है हमारे पंचकुला से जो जुड़ते अच्छा, हैं। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन दी हुई है पहले। पंचकुला पोस्टिंग है आजकल सर मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचकुला चले। बहुत सुंदर विजय जी, आपने अपना परिचय दिया, आप जुड़ते रहिए। साथ भी जुड़ जाते हैं जी, काम करते रहते हैं सर, और काम करते ही रहेंगे सर, ये कारवां है, हम आप जोड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। वीदा पीपल के बारे में बताओ फिर थोड़ा। वीदा पीपल के बारे में सर, ये सुधीराज जी जब से पोस्टिंग डालते हैं तभी से जुड़े हैं हम, जब स्टार्टिंग में यहाँ 10-11 महीने हो गए मेरे को, बीच बीच में सुनता रहता हूँ। आप परियार से लगान, ये परियार साहब भी डालते रहते हैं पोस्ट, कई बार वो सुन लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। विजेंद्र सिंह है लुधियाना से, हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद, आपने परिचय रखा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विजेंद्र कुमार जी को, जो हमारे बीच जुड़े हैं, शायद पहली बार जुड़े हैं। हेलो जी जी, हाँ विजेंद्र, सुन मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, हाँ सभी साथियों को, मैं लुधियाना से हूँ। वैसे तो मैंने की 5-6 मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ वीदा पीपल की, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है और होना भी चाहिए, इससे यानी हमारे समाज में अवेयरनेस आती है। तो मैं यहाँ पे 30 साल से यानी कि सामाजिक संगठन में जुड़ रहा हूँ, और हमने पंजाब बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई हुई, मैंने पहले भी इसमें बात रखी थी, और हमने यहाँ पे बुद्ध विहार बना रखे है, बहुत बढ़िया, बिना यानी कि किसी की एक पैसे की हेल्प के, गवर्नमेंट की, कम से कम 1.5 करोड़। तो मेरा यानी कि, और मैंने यानी कि जितने भी अपने फंक्शन किए परिवार में, ब्याह शादी वगैरह, और मेरे पिताजी की क्रिया वगैरह, हमने सब यानी कि बहुत रीति से किया है, हिंदू आदि सारी रीति रिवाज हमने त्याग दिए हैं। काफी यानी कि घर में आलोचनाएं वगैरह भी हुई, अड़ोस पड़ोस में भी हुई, परंतु जो हमने वहां पे किया, एक मील पत्थर का काम किया है। तो मैं यानी कि इस वीदा पीपल के यानी कि माध्यम से, संघ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भी जितने भी हमारे साथी हैं, वो काफी यानी कि इसमें रिटायर्ड हैं और सीनियर एज में हैं, वो अपने बच्चों को इस संगठन से जोड़ें, और जितना भी यानी कि इसमें हमारे पास हिंदुइज्म वगैरह में मनु यानी कि वाद है, या अंधविश्वास है, आडंबर है, ढकोसले हैं, और खासकर हमारी महिलाएं हैं, उनको यानी कि इन चीजों से निकालें। ये नहीं है कि हम, विजेंद्र जी आपकी वीडियो साथ हो तो सर, लाइट चली गई, मैं छत पे हूँ। ओके ओके, हाँ। तो यानी कि हम तो यानी कि क्या कहते हैं, डलती हुई शाम है, कोई 50 का है, कोई 55 का, कोई 60 का है, परंतु हम यानी कि अपने बच्चों को वो यानी कि गाइडलाइन दे सकते हैं, जिसमें कि यानी कि वो चल के समाज का और आगे बढ़िया मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का तो मतलब यही है कि बाबा साहब की यानी कि सोच, कई साथियों ने बताया कि हम जन्म से लेकर मरने तक पढ़ाई लिखाई सर्विस पेंशन सब कुछ लेते हैं, परंतु बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो बुद्धिज्म पे खत्म होती है। हम एक तरफ तो हिंदुइज्म वगैरह की यानी कि आलोचना करते हैं, अभी ये यानी कि एक न्यूज में यानी कि मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा यानी कि मंदिर में चलाया गया था, साउथ की खबर है कोई, तो उसमें 26,000 रुपये उस पर यानी कि पेनल्टी लगाई थी। तो हम क्यों जाते हैं वहां पे? 26,000 सर। हाँ हाँ, 26,000। हाँ, एज आई नो। ओके, हाँ। तो मैं कई ग्रुपों में यानी कि जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे यानी कि अदर कास्ट के साथ भी ये मेरे ग्रुप हैं, तो मेरे काफी यानी लगा है, पिटाई मार पिटाई मर्डर भी हो रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, हर जगह यानी कि ये, मैं पंजाब में यानी कि फिर भी ठीक है, बेटर देन अदर स्टेट्स। तो मेरा कहने का मतलब, जिस चीज से यानी कि वो नफरत करते हैं, भाई आप उनके मंदिरों में मत जाओ या ये मत करो, तो क्यों जाते हैं हमारा समाज? तो बाबा साहब की तो यही है कि भी हम शिक्षित पढ़ लिए लिख लिए शिक्षित हो गए, परंतु शिक्षा ये नहीं है कि हमने MA BA कर लिया, PhD कर लिया, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ये है बाबा साहब की, भी हम और हमारा परिवार, खासकर बच्चे और हमारी माताएं बहनें बेटियां, वो अंधविश्वास वगैरह से दूर हटें, और जो हम अपना पैसा और समय वहां पे जाके वेस्ट करते हैं, वो हम अपने सामाजिक कार्यों में वेस्ट करें, यानी कि लगाएं, तो ज्यादा बेटर है।
मेरा तो यही है कि सभी साथियों से अपील है कि वो अपने बच्चों को अवेयर करें, और इस मैं तो इसको नरक कहता हूँ हिंदुइज्म को, इससे बाहर निकले, इस सोच से बाहर निकले। कोई गणेश मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई यानी कि विसर्जन कर रहा है, कोई माता का कर रहा है, कोई बाबे का कर रहा है। भाई आप बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखा है उसी पे चलो आप। अब मैं हूँ, मैंने अपने परिवार में कितना यानी कि मेरे बच्चे यानी कि बेटा है 27 साल का हो गया, कोई मुंडन संस्कार नहीं, कोई माता का नहीं, कोई बाबे का नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी माँ ने हमें बहुत कहा, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो यानी कि घर में भी लड़ाई करनी पड़ती है, समाज से तो हम तब करेंगे जब हम घर में यानी कि एक मत होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस यही एक भी हम अपने सबसे पहले अपने घर परिवार को संवारें, जो यानी कि आडंबर है और कुछ है उनसे दूर निकलें, और अपना एक पैसा भी हमारे विरोधी संगठनों को हेल्प ना जाए। अगर हमारा एक पैसा भी उनके पास जाता है तो हम समझेंगे कि हम बाबा साहब के फॉलोअर नहीं। सारी बात आप एक एक बात इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया विजेंद्र तो, जी बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से रखा, और बिल्कुल जैसे हमें बाबा साहब को तो मानना है, लेकिन बाबा साहब की उससे ज्यादा माननी है। बाबा साहब जिस दिन मान लेंगे उस दिन बाबा साहब से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। मेरे बहुत से साथी है, समय नहीं है, हमारा समय तब कब आएगा, जब मर जाओगे तब आएगा। तो मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हूँ, मैं आर्टिकल वगैरह लिखता रहता हूँ, और बहुत से यानी कि उसमें यानी कमेंट्स आते हैं, महा भाई कोई बात नहीं, जब तुम नहीं सुधर सकते हो तो मैं भी नहीं सुधर सकता। कोई भी यानी गति कोई टिप्पणी आती है तो मैं उसका पूरी डट के और उसके पोस्टमार्टम कर देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजेंद्र सिंह जी, आप विजेंद्र सिंह जी चैट बॉक्स में नंबर छोड़ देना सर, नंबर सर जी अपना विजेंद्र जी। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपके बहुत ही शानदार विचार हैं, और बेसिकली आप उस तरह के कर्म भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है विजेंद्र जी। मंदिरों में पिटाई हो इसी के लिए हमारे फायदे की है। विजेंद्र जी मंदिरों में पिटाई होना हमारे फायदे की है, वो इनकी होती रहेगी तभी तो इधर आएंगे। चलिए तो ये लिखे चार सर, कई कई ग्रुपों में, एक यहाँ पे मूल निवासी ग्रुप है उसमें, और कई ग्रुप है उनमें यानी कि एक दो कमेंट्स आए, तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया जी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, यानी कि टोंट के वे में मगर बहुत अच्छा किया, इनके साथ यही होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना यानी कि जूते की भाषा समझते हो, तो ठीक है जूते की समझो, ये चीज हम तो समझ आ चुके हैं। चलिए सर बिल्कुल सर बिल्कुल, थैंक यू आपका बहुत बहुत, और आपका विचार बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल सभी साथियों को इस पे अमल करना चाहिए। हाँ। इसी क्रम में अगर लेते हुए और भी साथियों को लेना है सर, पहली बात तो आपका थैंक यू। एक बात और कह रहा है, वैसे तो गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट मतगणना है। हेलो हेलो, विनोद खनंगवाल शायद आवाज सुन रहे, तो अपना पिच चेंज दे। जी सर, जय भीम सर, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद सभी को सर, प्लीज। हाँ सर, मैं बोले बोले सुन रहा है। हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ सर, गवर्नमेंट आईटी अथीन में, पलवल डिस्ट्रिक्ट में सर। दस साल थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं चंडीगढ़ ही गया हुआ था, बस जस्ट ही पहुंचा हूँ अभी, और भाई साहब की आवाज सुनी बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, अभी बीच में मैंने थोड़ा इंटरप्ट भी किया था। और पलवल और जो हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर हम सब ग्रुप भी बनाए हुए, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं और अदर डिपार्टमेंट के, उनके लोग भी मिले हुए हैं, उनको भी हम मीटिंग भी अटेंड करवाते हैं, और बीच बीच में भी डिस्कस करते रहते हैं, तो हम फॉलो कर रहे हैं इधर से। करमवीर जी बहुत जी से भी बात हुई है कि एक मीटिंग हम यहाँ पे रखेंगे, और अच्छी मुहिम हमारी चल रही है सर, लगातार हम काम कर रहे हैं। बहुत जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका, धन्यवाद, जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। थैंक यू सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भगवत किशोर जी को। भगवत किशोर जी कृपया आए और वह भी
आज के इस कॉन्सेप्ट में वक्तव्य देना कष्ट करें कि वीरक बिल आपको कैसा लगता है और कैसे नवोदय जयवीन सर। सभी महानुभाव बड़े मेहनत से और शिद्दत से गीता पीपल में काम कर रहे हैं और एक देहाती कहावत है, दिन दुगना रात चौगुना गीता पीपल अपना विकास कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी महानता ये है कि सर सभी अलग अलग संघ के विंग बने हुए हैं, डॉक्टर्स विंग अलग है, इंजीनियर्स विंग अलग है और उद्योग चलाने कुटीर उद्योग चलाने के लोग जो विंग है वो अलग है, महिलाओं का अलग है, शिक्षकों का अलग है, तो सभी सभी पूरी समाज का जो 85% लोग हैं उनका सारा ब्रेन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इससे बहुत बड़ा लाभ पहुंच रहा है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के विचार सुनने को मिलते हैं। तो हम लोग जिस क्षेत्र को से बिलोंग करते हैं उसके आधार पर अगर हम सोचते हैं सारी इंडिया का जो ब्रेन, जो लोग सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, सड़कों पर नहीं आ सकते, वो बी द पीपल के माध्यम से इस मीटिंग में शामिल होते हैं और अपने विचारों को शेयर करते हैं। तो मैं एक कंपनी के तरीके से इसको देखता हूँ, कंपनी के तरीके से ऐसे है कि सर जिसके पास फाइनेंस है उसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास दिमाग है उसके पास फाइनेंस नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास और दोनों चीजें नहीं है, ना फाइनेंस है ना उसके पास कुछ और है। तो इस तरीके से वो सारे लोग ब्रेन, पैसा और समय, इन सारी चीजों को मिला करके कंपनी स्थापित हो जाती है। उसी तरीके से सर बी द पीपल काम कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो ऐसी जॉब में हैं कि इनके पास समय नहीं है, दिमाग बहुत ज्यादा है, तो वो जो उनके दिमाग का और अनुभव का समाज की आज के दौर परिस्थितियों के विषय में जब वो अवगत कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं, रोज नए नए साथियों को जोड़ते हैं, नए लोगों के पास ग्रुप का जो मैसेज है वो भेजते हैं। अब उसकी जो रफ्तार है बेशक फिलहाल धीमी गति से, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेज गति से इसका विस्तार होगा और इससे समाज के या देश के 85% लोगों को शासन सत्ता और इस देश की अर्थसत्ता वगैरह पर अपना 85% के पर अपना हक होगा। ये बी द पीपल की आने वाले समय की उपलब्धि होगी और यह हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा सबक होगा और हम लोगों का द्वारा किया गया बहुत सार्थक प्रयास भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए जय भीम, जय भारत, नमोवत, बहुत बहुत साधुवाद भगवत किशोर जी, धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़ते रहिए और जुड़ते रहिए। इसी के मैं पुनः मैं अनुरोध करना चाहूंगा सभी साथियों से कि हमारे बीच में जो भी नए साथी जुड़े हैं या एक दो बार जुड़े हैं, वो व्यक्ति यदि कोई साथी अपना परिचय देना चाहता हो तो कृपया करके हैंड रेज कर दें जिससे कि मैं उनको हम आमंत्रित कर सके। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दीपा भारती जी को। दीपा भारती आए और बी द पीपल के कॉन्सेप्ट पे अपनी वक्तव्य देना कष्ट करें। दीपा भारती यदि हमारी बात सुन रही हो तो कृपया करके अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें। शायद नहीं सुन पा रही है तो गुलाब सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि गुलाब सिंह जी आए और बी द पीपल के कॉन्सेप्ट है अपना वक्तव्य दें, इसको कैसे सफल बनाएं और आपको इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगता है। गुलाब सिंह जी। हाँ सर, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। सर आज 23 सितंबर है तो बाबा साहब का हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक जो काम है हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन आज का जो दिन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। बाबा साहब ने आज संकल्प लिया और संकल्प अपने जिंदगी भर तक निभाया और उनके वजह से हम आज ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं या हम साधन संपन्न लोग हैं।
उन्होंने अपने संकल्प को जीवन भर बिताया, जीवन भर संकल्प पर अपना समय लगाया और हमें जो है सुख सुविधाएं जो मिली हम उसको भूल चुके हैं। बाबा साहब जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा था और उनके नाम कोई संपत्ति नहीं थी। उन्होंने ट्रस्ट बनाकर संपत्ति जो भी बनाई, जो दिल्ली में अंबेडकर भवन है वो भी अपने नाम से नहीं है, बाबा साहब के। तो जो संकल्प बाबा साहब ने हर क्षेत्र में हमें जो योगदान उनका है, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं जो हमारे नेता हैं उनके पास अपार संपत्ति है, उनके अकाउंट भरे पड़े हैं, उनके परिवार रिश्तेदार उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस समाज के लिए नहीं है, वो अपने और अपने परिवार के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए कॉन्फिडेंस है। हम लोग समाज में काम करते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, अभी भी यहाँ पर 91 लोग जुड़े हुए हैं, करीबन 150 लोग जुड़े थे, समय 10:30 हो गया इसलिए लोग चले जाते हैं क्योंकि सबकी अपनी मजबूरी है, कल को ड्यूटी भी जाना है, मुझे भी 5:30 बजे उठना है तो लोग चले जाते हैं। तो ये सब जो लोग हैं ये काम करते हैं ईमानदारी से, समाज में जाते हैं, गांव गांव में घूमने वाले हम लोग हैं, कहीं दिल में आग लगी हुई है और हम उस काम को करने का जितनी हमारी हैसियत है, जितना हमारे पास समय है, जितनी हमारी बुद्धि है, उसको हम ईमानदारी से निभाने का काम कर रहे हैं। यही आज विषय है कि हम ईमानदारी से कितना काम करेंगे या कितना काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ईमानदारी है। हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, हमको लालच नहीं होना चाहिए, हम जो भी काम करें समाज के लिए करें। जिस तरह से बाबा साहब ने 1917 में ये संकल्प लिया था और उन्होंने पूरी रात रेलवे स्टेशन में बितानी पड़ी थी, मैं जब उनके बारे में पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि उनको लंदन में लाइब्रेरियन बंद करके चला गया क्योंकि बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो पूरी रात लाइब्रेरी में रहे, जितना समय वो पढ़ पाए पढ़े, उसके बाद वो सो गए। तो बाबा साहब ने भूखे रह रहकर काम किया, हमारे महापुरुषों ने बहुत सारा काम ऐसा किया कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया। हम उसी आज हम अपने समाज को और अपने आप खुद आज संकल्प लें कि हम अपने महापुरुषों का काम जरूर करेंगे। और ये तो ऑनलाइन मीटिंग है, हम गांव गांव में घर घर जाकर, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, फोन है, हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो अभी हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हालांकि कुछ लिमिटेड हो गई है, हमारी बातें कुछ बताई नहीं जाती, रोक दी जाती हैं, लेकिन जो भी हमारा प्रयास है हम उस प्रयास को निरंतर करेंगे। और आज हम जो भी लोग सब जुड़े हुए हैं हम आज फिर से संकल्प लें, हालांकि सब आप बहुत संकल्पित लोग हैं, बहुत डिवोटेड लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बहुत सामाजिक जागरूकता वाले लोग हैं, लेकिन फिर आज हम इस बात को दोहराएं और संकल्प लें कि हम अपने जिंदगी समाज को जगाने के लिए लगाएंगे, अपने महापुरुषों के आंदोलन को हम लगाएंगे और इसके लिए हमें रणनीति बना बनाकर समय समय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो हमारे संगठन है वही संगठन है, लोग हमारे आकर पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, अरे भाई ये रणनीति है हमारी, हम कामयाब नहीं हो रहे संगठनों की वजह से, जो हमारे संगठन है संगठन वो काम नहीं कर रहे सही तरह से, उनके नेताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, हम लोग बर्बाद हो रहे हैं,
तो हमें जो है संगठनों के साथ साथ अपनी रणनीति कूटनीति को भी बदलते रहना है, परिवर्तित करते रहना है, और हमने हमारा टारगेट इस आंदोलन को सफल बनाने का होना चाहिए, ना कि अपनी दाल रोटी पकाने का। तो आज हम फिर संकल्प लें कि जिस तरह से बाबा साहब ने संकल्प लेकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था, हम इसको आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, हम इसको काम को करते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात सुनी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद गुलाब सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को रखा, और बिल्कुल हमें जरूरत है संगठन के साथ साथ संघ को मजबूत करने की और प्रत्येक संगठन को अपना संगठन समझने की। बहुत शानदार विचार आपके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथी का हैंड रेज है मुकुंद बंसूत जी का, तो मैं अनुरोध करूंगा मुकुंद बंसूत जी। सर, वो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप ना रिकॉर्डिंग शुरू कर देना होस्ट के बाद में अपने कंप्यूटर में। अच्छा सर, मेरा सर हाँ मोबाइल में चल रही है, हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई और कर दे, कोई बात नहीं, तो आप फिर अपने चालू रखो, मैं उनको बनाता हूं। ओके सर, ओके ओके सर। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मुकुंद मंसूर जी को कि वे आए और कृपया करके आज के कॉन्सेप्ट पे अपने वक्तव्य देने का कष्ट करें। मिस्टर मुकुंद मंसूर जी, नमोबुधाय। जी नमोबुधाय। जय भीम, जय सरदार, जय मूलनिवासी, जय जोहार। जय सर, मेरा नाम मुकुंद मंसूर, मैं छत्तीसगढ़ दुर्गा से निवासरत हूँ, ये तो आप जानते ही है जी। और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है और विदा पीपल के सहयोग से पूरा कार्य संपन्न हुआ, इसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको पूरी फैमिली को। बहुत सुंदर, और विदा पीपल का योगदान रहा है इसके लिए सर, और भी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू। तो सर, मैंने अभी सब लोगों को सुना और अब कहने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी पुस्तक नहीं, लेकिन एक छोटी सी रचना है जो मेरे मौसी की लड़की ने लिखी है। हम बाबा साहब अम्बेडकर पर दोनों भाई एक दूसरे को एक कुछ गजल कुछ शहर लिखते हैं, तो उनकी एक छोटी सी चार लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बस। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था सर, और उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनपे जो हम लोग अध्ययन करते हैं और उनसे जो हासिल होता है उसी को हम लिखते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम अपने पास से कुछ लिख सकें। आ रहा है कि हमारी पार्टियां हैं जिनको हम लाइक करते हैं, हमारे आका हैं और हम उनको अपना नेता मानते हैं, लेकिन इस समय देखने में ये आ रहा है कि वो अपने ट्रैक से हटते जा रहे हैं। हेलो जी सर, जी अपने बोला डॉक्टर साहब, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हमें उनको किस तरह से रोकना है तो गलत ट्रैक पर ना जाएं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो संघ है उसके लिए भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। ये चुनाव मैं समझता हूँ 7 स्टेटों में होने जा रहा है या 5 में, जहां तक मुझे जानकारी 7 में है। तो ये जो चुनाव है हमको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में हमको जीतना चाहिए। अब उसमें हमें ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी जो है या कौन सा लीडर डॉक्टर साहब हमारे लिए। जी डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, अभी सुधीर राज सिंह जी की स्पीच सुनी थी आपने? हाँ सुनना था ना उनको, तो ये सारी बातें तो उसमें सब क्लियर हो गई। क्योंकि अभी आज के आज के समय में अभी हमें सबसे पहले जरूरत है इकट्ठा होने की। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, देखिए सर, तो पॉलिटिकल इशू पर बात करने की भी आवश्यकता ही नहीं है हमें। ना पॉलिटिकल इशू कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव अगर कुछ जो है हमारी जो मनवादी पार्टियां वो जीतती हैं अगर, तो 2024 का चुनाव होगा ही नहीं। वो तो जीतेंगे ही अगर हम इकट्ठे ना होंगे तो। हाँ तो इकट्ठे हो रहे हैं ना हम भाई, आप हम सब इकट्ठे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब ये बताइए आपके पीछे तस्वीर किसकी लगी हुई है? ये आपके पीछे दीवार पर तस्वीर लगी है, ये किसकी तस्वीर लगी हुई है? ये राम सीता की है। कौन से राम सीता सर, कहां से आ गए? ये राम सीता मेरे एक मिनट बता रहे दीजिए आराम से भैया। सर सुन लीजिए,
आप आपको ये एज ए फोटो लटक रहा है और ये मेरी बेटी की शादी हुई थी तो जो पार्टी थी ना जो हमारे रिश्तेदार थे वो लोग लेके आए और बच्चों लगा दिया। मैं तो कभी इनको लाइक ही नहीं करता था। उतार के पहन ये मेरे दिल में नहीं है इनका स्थान। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, घर में तो है। और सर ये जो है ना आपने कहा है ये तो दिल से भी ऊपर है। नहीं ये दिल से ऊपर बैठे जो आप कह रहे हैं वो सही है। चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इसको दिल में नहीं है ना, आप घर से भी बाहर कर दीजिए, दिल में नहीं है हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आजाद इतनी आसानी से ना होगा। नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आप लोग पॉजिटिव रहिए और सामना बोलिए, पॉजिटिव रहिए प्लीज। बी एस आजाद जी कह रहे थे उनको रखने दीजिए बात, कोई बात नहीं। आप दूसरों को मौका दीजिए। नहीं नहीं आप अपनी बात करिए और इसका स्थान मेरे दिल में नहीं है। जी जी तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात की है अभी, क्योंकि आपको अभी तीन ही दिन हुए हैं, अभी जैसे जैसे आप जुड़ते रहेंगे ना तो विदा पीपल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और क्या अवधारणा है विदा पीपल की और क्या सोच है ये सब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। पॉलिटिकल व्यू पर किस तरह से विदा पीपल सोचता है वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। आप बने रहिए, जुड़े रहिए लगातार। काम साबित हो गए देवी देवता बचाने में अपने संविधान को। नहीं सर ये सब निकल जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है ठीक है। जेपी जी नेक्स्ट लीजिए सर। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर सी एस आनंद जी और आजाद जी ने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए और कोई बात नहीं सर, इसको ये जो है जल्दी से नहीं जाएगा। लेकिन सर ये भी बात सत्य है कि जब तक हम एक ट्रैक नहीं पकड़ेंगे जब तक अपनी मंजिल को नहीं पकड़ पाएंगे। बिल्कुल सही, ये आजाद जी ने जो बात कही है वो भी बहुत शानदार बात कही। हमें ध्यान रखना और आपका भी सम्मान करते हैं कि आपको दिल से बाहर निकले हैं तो हम समझते हैं कि निकले हुए हैं। कोई बात नहीं सर, थैंक यू और बहुत अच्छा लगा। जुड़ते रहिए सर। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी साथियों से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि हमारे बीच कोई नवीन साथी जुड़े हैं तो कृपया करके अपना हैंड रेज कर देंगे जिससे कि मैं उनको इनवाइट कर सकूं और अपना वो बात रख सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे बीच में जुड़े हैं अर्चना गौतम जी, जुड़ी थी, हैंड रेज किया था, तो मैं चाहूंगा कि वह अगर जुड़ी हो तो वह भी अपना 2 मिनट में अपना वक्तव्य देना चाहेंगे। अर्चना गौतम जी कुछ महिलाओं को बुला लो जेपी सिंह। हाँ सर वही सर, अचानक तो मैडम ही है सर। वो आ नहीं पाए तो और अच्छा। ओके 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 सर। अभिलाषा गौतम का नाम दिख रहा है, देखिए कौन है जी मैम, शायद नहीं। अभिलाषा गौतम, हाँ अभिलाषा गौतम, अभिलाषा गौतम, ओके अभिलाषा गौतम के नाम से यदि कोई मैम जुड़ी है तो कृपया करके वो आए और विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को समझाने का और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसमें 2 मिनट में अपनी बात को रखने का कष्ट करें। अभिलाषा गौतम मैडम, शर्मिला जी से ही मैं अनुरोध करूंगा कि वह आए और 2 मिनट में अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें कि विदा पीपल का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसे और बढ़ाया जा सकता है। शर्मिला जोरी मैडम प्लीज, 2 मिनट हो गए हमारे बीच में। चलिए हमारे बीच में 2 हैंड रेज हो गए हैं तो मैं पहला हैंड रेज वाले साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे पास तुलसी मेहरा जी का हैंड रेज है तो मैं चाहूंगा कि तुलसी मेहरा जी आए और आज के विदा पीपल के कॉन्सेप्ट पे अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। जय भीम सभी जी प्लीज। जय भीम सभी साथियों, जय भीम। उनका आजाद साहब का जो लिंक था फेसबुक पे, हाँ वो जल्दी जल्दी में खोल लिया मैं, उसमें टाइम लगता है जूम मीटिंग में, तो वहां देखा कुछ लोग अपने साथी हैं वो, तो पता नहीं किसकी मूर्ति फोटो फोटो लगी हुई थी, हाँ, उसके ऊपर बहस कर रहे थे तो मैंने उसको छोड़ा। मैं क्या अपना सजेशन दे दूं, मैं कोई भी ज्यादा बात ना बढ़े, हाँ, तो कुछ लोग हमारे अभी भी वो उनके बारे में पूरा नहीं जानते तो वो लगा के रखते हैं घर पे, ठीक है। तो मैं फिर दबा दबे खोला तो ये देखा जो भी शांत है मामला आपकी वजह से शायद ठीक हो गया। चलिए, हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
तो उसको हमने अपने तरीके से, अपने घर का परिवार का ही सदस्य है वो भी, उसको जैसे घर में हम बात करते उस तरीके से बात करके उनको सेट करना सारी बातचीत को, है ना, भी बड़े ना किसी को दिल में खुंद करना आए, प्यार से अगर मामला सॉल्व हो जाता तो बढ़िया है, उससे जैसी रीस नहीं है कोई। तुलसी जी फेसबुक फेसबुक पर लाइव देख रहे थे? तुलसी जी फेसबुक पर लाइव देख रहे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा, सही चल रहा है? सही चल रहा है? नहीं वो हम जो मीडिया वाले हैं ना। हाँ हाँ, नहीं सही चल रहा था वैसे, लाइव सही चल रहा है वो ही समझ सकते हैं और मीडिया वाले ही डिस्कस करते। नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक चल रहा है ना शुरुआत? हाँ जी चल ठीक रहा था। ठीक है ठीक है, यही साथी जुड़े। जी जी सुनो सुनो सुनो, जो भी साथी जुड़ता है, जैसे सुधीर राय सर का फ्रेम होता है, जैसे पासपोर्ट साइज हमारी फोटो होती है ना, वैसा स्टिल उसको फ्रेम को बना के रखना होता है सबने। तो किसी का सिर कट रहा होता है, किसी का पंखा दिख रहा होता है, कोई खाना खा रहा होता है, तो एक वो हमें प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना पड़ेगा एक। वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद, आपने अच्छा सजेस्ट किया, थैंक यू। और काफी हैंडलेज हमारे बीच में हो गए हैं, तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा ओम प्रकाश जी को कि वे आए और वे भी अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। जेपी सिंह जी, अगर सभी साथी वो वर्चुअल इमेज लगानी पता नहीं है सबको, वो लगा सकते हैं, तो जैसे ही वो इधर उधर होते हैं तो वो आ जाए। हाँ, नहीं वो कंप्यूटर, वो कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही चल पाती है, मोबाइल पर वो वर्चुअल पिक्चर नहीं लग पाती है। मोबाइल पर भी लग जाती है, मोबाइल पर भी लग जाती है, मोबाइल पर भी लग जाती है और लैपटॉप पर भी लग जाएगी। और सभी साथियों से अनुरोध है कि वह चाहे तो वर्चुअल अपनी पिक्चर बैकग्राउंड पर वो इमेज लगा सकते हैं, और जिससे कि आपकी अच्छी इमेज मतलब प्रस्तुत हो। और मैंने आमंत्रित किया था ओम प्रकाश जी को कि वे आए और कुछ वक्तव्य अपना परिचय देना चाहे प्लीज। ओम प्रकाश जी, सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमोबुद्धाय। नमोबुद्धाय, जय भीम। प्लीज, मेरा नाम ओम प्रकाश अहिरवार है, मैं दिल्ली में रहता हूं और होम मिनिस्ट्री में जॉब करता हूं। जी, जो बाबा साहब ने हमारे संकल्प दिया उसका मैं छोटा सा संकल्प ले सकता हूं, बाबा साहब की विचारधारा को अगर मानने वाला हूं, कि मैं बी द पीपल में ईमानदारी से काम करूंगा और साथ में डेली ना डेली किसी ना किसी को जोड़ के रखूंगा, क्योंकि हमारे लोग जोड़ते नहीं है, बात ज्यादा करते हैं। क्योंकि बी द पीपल अभी स्टार्ट हुआ, अभी कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमें कुछ लोग नहीं जोड़ लिए, हम आपने कुछ नहीं जोड़ा अभी, अभी तो हमने आपने एक बाल जोड़ा है सर का, अभी इतनी जल्दी मतलब किसी चीज को नहीं करिए, सब लोग जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू, जय भीम। बहुत सुंदर ओम प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो हम कहते हैं उसे करना भी चाहिए, और बिल्कुल हमें जोड़ने और जुड़ने का काम करना है, तभी हमारा इसका बी द पीपल का कॉन्सेप्ट सफल होगा। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और सभी साथी इस पे अनुसरण करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास चंद्र भानु जी हमारे बीच जुड़े हैं। चंद्र भानु प्रकाश जी, तो अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया करके अपना वक्तव्य दुनिया आकाश करें। जय भीम सर, मैं चंद्र भानु प्रकाश उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका सर, प्लीज कंटिन्यू। लोगों को आज संकल्प दिवस की हार्दिक शुभकामना। आपको भी सर। मैं थोड़ी सी एक पुरानी जो स्टोरी है उससे बात शुरू कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी टीचर थे स्कूल में, हेडमास्टर थे जी। तो तब की एक घटना है, उस टाइम में कम से कम 7-8 साल का था, तो यही उत्तराखंड में यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा छुआछूत वगैरह इस तरीके से अस्पृश्यता वगैरह ये काफी होता था, तो पिताजी ने काफी संघर्ष किया उसमें जी। तो एक स्कूल में जब पिताजी वहां पे टीचर थे तो हमारे यहाँ सब लोग रहते थे, तो वहाँ स्कूल में, तो वहां पे हम लोगों को स्कूल का एक कुआं था, उसमें जो है कोई पानी नहीं, हमारे लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता, जबकि वो स्कूल का ही, पर जो हमारे स्कूलकास्ट टीचर थे उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था उसमें। तो जब पिताजी वहां पे गए तो हमारे यहाँ का ही एक लड़का था, उसको वो हमारे सुडुलका समाज का लड़का था, वो हमारे लिए पानी भर के लाता था। तो क्योंकि
सातवीं में पढ़ता था, थोड़ा बड़ा भी था, तो पानी भर के लाता था, तो वो क्या कौन लड़के थे वो, तो मैं छोटा था 7-8 साल का, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों करता है कि हमारी बाल्टी में दूसरे की बाल्टी से पानी निकालता, क्योंकि हमारी बाल्टी थोड़ी बड़ी थी, मैंने कहा क्या पता ये तब नहीं निकाल पाता होगा, पर मैं 2-3 दिन देखता रहा, फिर मैंने पिताजी के पास शिकायत की, मैंने पिताजी ऐसे क्यों होता है, हमें पता नहीं था कि इस तरीके से भेदभाव होता है, मैंने कहा वो हमारी बाल्टी में उठा के पानी उसमें डालता है। उसके बाद साहब पिताजी ने सुना तब उस लड़के को बुलाया, भेद मंगवाई, पिटाई की, बोल भाई क्यों तू मतलब दूसरे का उससे बाल्टी से हमारा पानी तू क्यों खुद क्यों नहीं लाता। तो हम लोगों के अंदर उस, जबकि वो हमारी जो स्कूल थी उसमें सबसे बड़ा था वो लड़का, मतलब वो चाहता तो वो सारे स्कूल के बच्चों को मार सकता था, इतना जवान था। अब उसने क्या किया कि पिताजी ने बोला कि जा भाई तू कुएं से पानी लेके आ, उसने साहब वो पानी निकाला नहीं, वो कह कह मैं तो नहीं जा पाऊंगा गुरुजी, मैं उसमें काफी डांटने के बाद भी नहीं गया। फिर पिताजी ने मेरे को बोला कि सर मैंने बेटा तुम जाओ और अब खुद वहां से पानी निकाल के लाओ। तो पुराने अपवाद थे सब, इस तरीके से उन्होंने बहका रखा था कि यदि कोई ऐसी लड़का उस पे जाए उस कुएं से पानी निकाले तो उसमें जो है लाल टाइप के कोई सांप निकलते हैं और उसको वो सांप डस देंगे, इस तरीके से उसमें भावना है। फिर पिताजी ने मेरे को बोला, मैंने खुद पानी निकाला और मैं पानी निकालने से कम और वो ज्यादा समझ रहा था कि इसमें सांप के लिए बोलते हैं, तो मैं सांप देख रहा था उसमें। अब वो जो है तब मैंने पानी निकाला, पानी निकाल के अपनी बाल्टी भरी, क्योंकि मैं छोटा था तो मैंने छोटे वाले जग से जो है पानी भर के उसमें अपनी बाल्टी में डाला। इस तरह के साथ साहब एक हफ्ते तक तो मैं ही खुद जाता रहा। वो लड़का जो बड़ा लड़का था हमारे एससी समाज का, वो पानी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उसमें जाने की उस कुएं पे। इस तरह से एक डेढ़ हफ्ते बाद तब मैं डेली जाता रहा, फिर उसको भी आदत पड़ गई। आज वो जो है वहां पे सब लोग उस पानी को भरते हैं और सब आज भी देखता हूँ। अब तो मैं खुद ही टीचर हूँ इसी ब्लॉक में, तो अब मैं पता करता हूँ, फिर भी मैंने देखा वहां पे एक बार जाके तो देखा अब सब लोग उसमें पानी भरे। इस तरीके से हमारे पुराने लोगों ने सर बहुत संघर्ष झेला है, धन्यवाद साहब। फिर मैं एक दो कहानियां, बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाया और बिल्कुल वास्तविकता भी यही है, लोगों के अंदर ये डर पैदा कर दिया था कि ऐसा खास ऐसा होता है और इसी वजह से वो भ्रांतियां बढ़ती चली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। इसी क्रम में हमारे साथी और दो साथियों का हैंड रेज है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गीता गोरिया जी को कि वे आए और कृपया करके अपना वक्तव्य देना निश्चित करें। गीता गोरिया जी, गीता गोरिया जी मेरी आवाज सुन रही हो तो अपना जी मैम जी सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम मैम, सभी को संकल्प दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। और अभी जो थोड़ी देर पहले एक भाई साहब बोल रहे थे, उनके दीवार पे जो तस्वीर लगी हुई थी उस पर ऐसे विवाद हो गया, तो मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसा विवाद ना करें, हम सब पहले ऐसे ही थे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, और उनको प्यार से हमने समझाना है, क्योंकि हम कब गए उनके पास समझाने के लिए, उनका भी कसूर नहीं है। जो हम जैसे लोग हैं, बाकी जो छोटा थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं आपस में, एक पर्सन अगर एक के पास जाए तो 1+1=11 होने में टाइम नहीं लगेगा। और अब जो ये अपनी मुहिम चल रही है विद द पीपल की, सुधीर राज जी कितना डीपली समझाते हैं, मैं तो उनकी वीडियो सुन सुन के ही मैंने ज्यादातर, वैसे तो मैं 22 साल से एक्टिव हूँ, और अर्चना गौतम जी हम पुराने साथी हैं, और मैं लगभग 3 महीने से जुड़ने लग रही हूँ। डॉक्टर लाल सिंह ने मेरे को पहली बार लिंक सेंड किया था, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे विवाद ना करें, और जिसने भी उसको लिंक सेंड किया है उसकी जिम्मेवारी बनती है ये, हम आपस में एक दूसरे की ऐसे जिम्मेवारी लगाएं कि भाई आपको इतने उस पर्सन को समझाना है, एक दूसरे के टांग खिंचाई ना करके।
बिल्कुल मैम बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ जी थैंक यू, बिल्कुल आपका वक्तव्य बहुत सही है, बिल्कुल हमें हकीकत का सम्मान करना है और बहुत ही शालीनता से उसको मनाना है और समझाना है और उसका और, स्वागत करना है। कल परसों भी वो डॉक्टर अशोक तौर जुड़े हुए थे तो अपने एक साथी भाई ने कहा कि वही बाबा साहब ने जो कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया, तो हम ऐसे अपने मीटिंग में बुला के अपने संघ में बुला के ऐसे किसी का मतलब हमें बेइज्जती करने का हक नहीं है। नहीं मैम ठीक है मैम, ओके मैम। हाँ जी भलाए भाई कोई कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं, हमने उसके उसके नॉलेज का नहीं पता हमने कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, वो कितना सोशल है कितना नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, आप अगले पर्सन के बारे में हमें नहीं पता, हो सकता है वो हमारे से ज्यादा उसको उसने गेन कर रखा हो। जी मैम बिल्कुल आपकी बात सही है, थैंक यू, और बिल्कुल आप सही कहा है और उन्होंने कंसीडर भी कर लिया कि मैं तो मेरे दिल से मैंने निकाल दिया है और कुछ फैमिली के मेंबर्स नहीं मानते तो उनको समय लगता है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उस चीज को और बुरा नहीं माना उन्होंने उसको, जो सत्य है उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और इसी मतलब सब अच्छे से हुआ। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जिसको भी बताना समझाना बहुत ही शालीनता के साथ जिससे उसको बुरा ना लगे और अच्छा लगे। लेकिन जी मैम थैंक यू मैम, और ऐसा ही प्रयास किया गया था कि उनको बुरा ना लगे और उनको अच्छा लगा भी, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उस चीज को कि वास्तव में मेरे दिल में नहीं है और फैमिली मेंबर्स के उसमें है तो वो भी जल्दी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है मैम थैंक यू बहुत बहुत आपका, आपने इसमें सजेशन दिया आपने, ओके जी धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे एक साथी का हैंड काफी टाइम से हरीश चंद्रा जी का, मैं चाहूंगा हरीश चंद्रा जी वह भी आए और अपनी आज के वक्तव्य देने का कष्ट करें। हरीश चंद्रा जी काफी दिन से जय भी नव उदय सर, मेरी आवाज मिल रही है ना? आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है सर प्लीज। हाँ मैं कानपुर से हूँ और मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्ष एनसी रेलवे से अभी 31 मार्च को रिटायर हुआ हूँ और मैं अभी 20 तारीख को ये परिवार विशेष था जी, तो उसमें तो सभी को बोलने का वो था लेकिन वो मैं बोलना चाहता था तो मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं क्लियर करना चाहता था दो तीन चीजें हैं। एक तो मैंने कहा था कि भाई मेरी शादी हिंदू धर्म से हुई थी तो इतने बस की बात नहीं थी, लेकिन वो मेरी मिसेज जो है शंकर का फोटो मायके से लाई थी और एक साल नहीं गुजरा कि वो फोटो हटा के बाबा जी। हेलो हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, अपने माइक को अनम्यूट करिए। हाँ सर तो मैं ये कहता था तो इसमें जो है ये म्यूट कैसे हो रहा है? नहीं आप सही है सर, आपका आवाज आ रही है सर। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था कि ये बदलाव कैसे आया, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं जहाँ भी अपने कार्यक्रम होते थे उनके माँ मैं मिस्र को साथ लेके जाता था हर जगह, और वहां पर तो वहां जैसे भंते जी बता रहे हैं और तो उसका इतना असर पड़ा कि उससे ये बदलाव आया, तो ये चीज मैं बताना चाहता था, तो ये हमको नहीं कही नहीं उन्हीं से कहो तो वो उतना क्लियर नहीं बतावे, तो क्योंकि आप ऐसे मैं हजार बार कहता तो कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ये इतनी जल्दी नहीं आता बदलाव। अब लोग बड़ा शान मारते हैं, अकेले आ जाते हैं कहते हम तो बदल गए, ऐसे बदलने से क्या फायदा, घर में पता चला कोई बदलाव नहीं है। तो उस बदलाव को मैंने इस तरह से किया कि मैं अपने मिशन में जैसे बुद्ध विहार जाना, अपने मिशन को जो भी कार्यक्रम मुझे पता पर चल जाए अपने मिशन कार्यक्रम मुझे तो जाना ही जाना होता था, मैं मिशन को भी साथ ले जाता था, तो वहां से इतना असर पड़ा कि इतनी जल्दी ये बदलाव आ गया, नहीं तो मैं हजार बार कहता मुर्गी बराबर होती। अच्छा एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि मैं भंते जी से जो भी कार्यक्रम भंते जी से कराता हूँ, अभी मैंने 15 सितंबर को अभी वर्षावास चल रहा है तो भंते जी को मैंने भोजन कराया था जी। तो आपको मेरे हाथ में उस दिन 20 तारीख को ये
महिला विशेष ये परिवार विशेष कार्यक्रम था, तो उसमें ये मेरे हाथ में अपन सील का जो धागा बंती जी ने बांधा है वो देख के कुछ लेडीजों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये क्यों बांधे हैं। तो अब ये पंसिल का जो पांच कलर है अपने पंसिल के झंडे जो जिसपे कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत ही पंसिल पे आधारित है, तो वही पांच कलर हैं इसमें, तो ये भंते जी ने बांधा तो इसपे भी लोग कुछ लेडीज ऑब्जेक्शन कर रही थी कि ये कैसे ये तो सही नहीं है, बताइए ये कहाँ से गलत है। अभी एक भंते जी जुड़े थे, जरा उनसे क्लियर कर लीजिए चीज ये सही है अथवा नहीं है। ये सर दूर से कलावा सा लग रहा है सर, ये देखने में कलावा सा लग रहा है सर, इसलिए कहा होगा। चंद्र जी उस दिन इतना डिस्कस हो गया था, सारी बातें आप बार बार वही कर रहे हो, आज बांधे में बैठे हो, इसकी जरूरत नहीं है, आज फिर बांधे बैठे हो, उस दिन इतनी बात होने के बाद भी डिस्कस इतना सारा कुछ होने के बाद क्लियर तो कर रहे कहाँ से गलत है, जब पंसिल के झंडे के पास वही पता है कहाँ गलत है। बिल्कुल अरे भैया सफेद कलर का बांधते हैं, सफेद कलर का सर। सभी कृपया सभी साथी लोग ना बोले प्लीज, सभी साथी से अनुरोध है कि कृपया करके सब ना बोले, उससे अनुशासनहीनता होती है, प्लीज सभी साथी से अनुरोध है। एक आदमी समझा दे इनको, एक आदमी समझा दे सर। सर समझ रहे आप सर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भंते जी इसमें जुड़े हुए थे, उनसे जरा क्लियर कर ले ये चीज, तब मैं मान लूंगा कि हाँ भाई बात क्लियर है। चलिए चलिए हरीश चंद जी कोई बात नहीं, ज्यादा डिस्कस मत करो इस चीज को, आपको हरीश चंद जी बांधे रखो। हरीश चंद जी कराओ सर। हरीश चंद जी हेलो, हाँ हाँ बताएं। हरीश चंद जी वी द पीपल के बारे में बताइए, अगर कुछ बता रहे हैं तो एक मिनट में वी द पीपल के बारे में बताइए। वी द पीपल बहुत अच्छा लगा हमको, और मैं भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को भी, मैंने चार छह लोगों को बताया है तो उनको लिंक भी भेजा। एक ये भी थोड़ा सा इसमें डाउट रहता कि इसका लिंक डेली बदलता है क्या? नहीं, आज जो लिंक शेयर हुआ है, आज जो लिंक शेयर हुआ है इसको आप सेव कर लीजिए, ये 11 नवंबर तक यही लिंक रहेगा जो आज वाला लिंक था। हाँ तो मैंने कुछ लोगों को दिया है, तो पता नहीं डेली बदलने से वो लोग नहीं जुड़ पाए क्या। मैं नहीं नहीं, जो कल तक लिंक था वो काफी पुराना लिंक चल रहा था, वही चल रहा था सेम, आज बदला है, आज जो बदला है ये अब 11 नवंबर तक यही रहेगा। अच्छा तो ठीक है फिर मैं हाँ जी छोड़ता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें सर। एक और चीज रह गई थी कि जो डॉक्टर्स की ओपीडी होती है इसके बारे में पूरी जानकारी दें कि ये किस किस दिन होती है और क्या टाइमिंग रहता है। वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें मिल जाएगी आपको जानकारी। आप इस ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको जानकारी सब मिल जाएगी उसी ग्रुप से, ग्रुप में सारी जानकारी मिलती है सर। आपको बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, सर। रमेश चंद्रा जी ओनली सर, मैंने रेलवे की अभी टिकट बुक करानी है, आप अपना मुझे अपना एक नंबर डाल दें सर मेरे को प्लीज, मैं काफी दो घंटे से काफी परेशान, मुझे दिल्ली जाना है कल, मेरा पेपर आई है इसका सर, तो प्लीज आप मुझे अपना रेलवे एक बार अपना नंबर डाल दें। हरीश सर, सर वो रिटायर्ड है अभी, हाँ तो कोई नहीं, वो बता तो देंगे ना मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना नंबर डाल दीजिए सर, नंबर शेयर कर दीजिए, हरीश चंद जी अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी जी चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। बोल सकते हैं तो बोल दो सर, नहीं सर उस पर चैट बॉक्स में डाल दीजिए नंबर बता, चलो डाल देंगे, और साथी भी ले लेंगे, चैट बॉक्स में सर डाल दीजिए, हरीश चंद जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ, ले लेंगे और बोले लेंगे, मैं डाल देता हूँ। चलिए सर, चलिए प्लीज इसी को कंटिन्यूस करते हैं, अब काफी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सतन मोहन जी को, इंजीनियर सतन मोहन जी कृपया आए, और आज के वी द पीपल कॉन्सेप्ट उनको कैसा लगा और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है के बारे में अपना वक्तव्य देना कष्ट करें। इंजीनियर सतन मोहन जी सर,
बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपना वक्तव्य रखने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट गया था, मैं कुछ सामाजिक कार्य पे, आपको भी पता है मैं कहाँ था, तो जैसे अभी आधा घंटे पहले ही लौटा हूँ, तो जैसे मुझे मालूम पड़ा मीटिंग चल रही है, आप जुड़ते हैं लगातार तो वी द पीपल के कॉन्सेप्ट में बताने का कष्ट करें, और अदरवाइज अगर अगर समझना चाहते हैं तो खाली अपना परिचय दे दीजिए, आप परिचय दे दीजिए। और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मतलब है कि मैं ये चाहूंगा कि इसमें आगे चलते कि ऐसा तो विवाद पैदा ना हो जाए, जैसे वो भी एक लिंक एक रोप की तरह काम करना चाहिए, और उस रोप को रोप में मजबूती बनी रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर टेक्निकली कुछ मजबूती लाई जाए। हालांकि मेरा नाम सत्येंद्र मोहन है, बताना चाहूंगा मेरा नाम सत्येंद्र मोहन है और मैं इंजीनियर हूँ इरीगेशन डिपार्टमेंट में यहाँ मुरादाबाद में, और यही मेरा घर है, रहने वाला मैं आगरा हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने यही बना दिया, मैं यही रह रहा हूँ। और मेरी मिसेज जो स्पोक पर्सन है धीरे धीरे वो लगातार मीटिंग करती है, मिसेज मधु मधु डॉक्टर मधु जो डाइटिशियन है, ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे उन्हें। जी जी जानते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में जानते हैं? मैं इरिगेशन का हूँ, सिंचाई विभाग में हूँ। ये अच्छा, इरिगेशन, ठीक ठीक। कौन से पोस्ट पे? मैं फिलहाल जूनियर इंजीनियर हूँ। हाँ जी, जूनियर इंजीनियर हूँ, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर, अच्छा चलिए। कहाँ कहाँ पोस्टिंग है? वर्तमान में ओखला में हूँ मैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मुरादाबाद पे अभी मैंने एक महीने पहले ही मैं ज्वाइन किया है मैंने ओखला में। अच्छा मुरादाबाद, ठीक ठीक ठीक। फिलहाल मुरादाबाद में रह रहा हूँ, मेरा स्थायी निवास फिलहाल मुरादाबाद है। जी जी, चलिए बहुत बहुत साधुवाद इंजीनियर सतन मोहन जी, आपने पैसे दिया। हमारे एक साथी का द्वारा से एक हैंड रेज है, ओम प्रकाश जी। डॉक्टर मधु मैम जुड़ गई है, उनका भी इंट्रोडक्शन ले लेना, ठीक है? अच्छा हाँ, अभी लेता हूँ सर। बस मिस्टर ओम प्रकाश जी हमारे बीच जुड़े हैं, द्वारा से हैंड रेज किया है उन्होंने। अतर सिंह भारती जी बहुत दिन से जुड़े हुए सर, उनका परिचय कराएं प्लीज, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। अतर सिंह भारती साहब, अतर सिंह भारती साहब प्लीज। ओके, अतर सिंह भारती साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वे जुड़े हैं तो आज के सब्जेक्ट को वक्तव्य देने का कष्ट करें कि बीता कैसा लगता है और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। जी सर, सबसे पहले आप सब लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और मुझे कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगता है, और इसमें ये निरंतर चलते रहना चाहिए, और मैं इसमें अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ लोगों को जोड़ने के लिए। लोग जोड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत बहुत साधुवाद इस कार्य को करने के लिए। मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा और मैं सेटिस्फाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अतर सिंह जी, आप इसी तरह जुड़ते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए और वी द पीपल को आगे बढ़ाते रहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीपी सिंह जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मधु मोहन जी को। हाँ सर, पुणे से प्रवीण नाइक करके जुड़े हुए हैं, उनको भी अभी। हाँ सर, कौन? प्रवीण नाइक। हाँ, प्रवीण नाइक करके है पुणे से। ओके सर, अभी लेता हूँ सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मधु मोहन जी को, वे स्पोक्स भी है, कृपया आए और वी द पीपल का कॉन्सेप्ट उनको कैसा लगा और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है के बारे में वक्तव्य देने का कष्ट करें। मधु मोहन जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो अपना वक्तव्य दें। शायद सुन नहीं पा रही हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रवीण जी को कि वह आए और आज का विधि पेपर के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दें, वक्तव्य रखने का कष्ट करें। प्रवीण जी, और कोई साथी यदि कोई नया जुड़ा है तो मैं मेरा पुनः अनुरोध है उससे कि वह कृपा करके अपने हैंड रेज कर दें, जिससे मैं उनको इनवाइट कर सकूं। मधु मोहन जी आ गए हैं लाइन पर। अच्छा मधु मोहन जी, प्लीज मेरा अनुरोध है मधु मोहन जी से कि कृपा करके वी द पीपल के कॉन्सेप्ट उनको कैसा लगा और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है के बारे में अपने वक्तव्य देने का कष्ट करें। मधु मोहन जी, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम मैम, जय भीम। इधर भी से मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और ये बहुत ही सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि
एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए, हम बहुत ही इजीली वे में सभी को सुन पाते हैं, उनके थॉट्स उनके और देख पाते हैं कितना बाबा साहब के प्रति कितना समर्पित है सभी लोग, और उनके थॉट्स हम इजीली विद पीपल से जुड़कर सुन सकते हैं. तो दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस. ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आज संकल्प दिवस है, बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था कि किस तरह हमें पे बैक टू सोसाइटी मुझे देना है, और जो उन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना है, और इसका इम्पैक्ट हम सब देख रहे हैं कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, वो ओनली ऑली फॉर बाबा साहब की, उनकी वजह से ही हम हैं यहाँ पर जुड़े हुए. इतने सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ जिसका एक रूट कॉज अगर देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली बाबा साहब है. तो ये और हम सबके अंदर आने चाहिए कि हमें फिर से वो मुहिम चलानी चाहिए, और जो चल रही है, शायद हम जो बाबा साहब बोलते थे कि हम सभी को एक डाउन लेवल से सबको कनेक्टेड होना है, और उस रास्ते पर हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हैं, हम लोग चल रहे हैं, और आगे होप सो कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग इससे जुड़े हैं विद द पीपल से, और एक छोटा सा जो पेड़ सीड्स डाला है वो धीमे धीमे ग्रो करके एक विशाल वृक्ष बनना चाहिए, एक बहुत ही वृक्ष बनना चाहिए, और जिसकी शाखाएं हमारे इंडिया से होते हुए इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, और ये बहुत ही आगे एक फलदायक वृक्ष बनना चाहिए जिसमें जिसके नीचे हम सबका विकास हो सके. तो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ शाखाएं जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है मैम, और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो ये वृक्ष जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएंगे. धन्यवाद आपका. थैंक यू सर. मनीषा निगम जी, मधुमोहन जी से नंबर चाहिए था, फोन नंबर. मधुमोहन जी से अनुरोध है कि वह चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे. जी मैम, जी मैम, मैं अपना नंबर. ओके थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू. जुड़ी सर अनुराग, अनुराग है सर, अनुराग गौतम जी. अनुराग गौतम जी से मेरा अनुरोध है कि वह अगर जुड़े हैं तो अपना माइक को अनम्यूट करें और बी द पीपल के कॉन्सेप्ट को बताने का कष्ट करें, और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, सूक्ष्म अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें. ओम प्रकाश जी जुड़े हैं? जी सर जुड़े हैं. कहाँ है? आप अनाउंस कर दीजिए. प्रवीण नायक हो गया क्या? प्रवीण नायक जी नहीं आ रहे. आप प्रवीण नायक लेना है. हाँ अभी दिख रहे थे वैसे उन्होंने. हेलो प्रवीण. हाँ सर जी. हाँ सर, सब साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम. हाँ स्वागत है प्रवीण नायक जी, प्लीज कंटिन्यू. हाँ सर, मेरा तो इंट्रोड्यूसिंग हो गया है पहले. अच्छा. ही आधा घंटा पहले मैं आपको मैंने सब आप सब साथियों से निवेदन कर दिया था मैंने. जी सर जी. हाँ, तो मेरा दोबारा नाम ले चुका है. चलिए कोई बात नहीं सर, कोई नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर. अच्छी बात है. आजाद जी सर, ये आईफोन करके जुड़े सर कृपया. आजाद जी. हाँ हाँ, ये प्रवीण नाइक जो है एक अच्छे बिजनेसमैन है, उनका वही बिजनेस ग्रुप में उनका नंबर ऐड कर देना. अच्छा नंबर सर, नंबर प्रवीण नाइक जी अपना नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में. छोड़ दिया मैंने सर, पहले ही छोड़ दिया सर. ओके थैंक यू सर. ठीक सर. सॉरी डिस्टर्ब कर, एक बार वो रेलवे वाले हरीश चंद्रा जी का नंबर नहीं मिल रहा सर, काफी देर से परेशान हूँ सर मैं. हरीश चंद्रा जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अदरवाइज आप ऐसी वॉइस करके बोल दीजिए, हमारे साथी को अर्जेंट आपकी आवश्यकता है. हरीश चंद्रा जी आप अपना माइक को और किसी का कोई रेलवे में हो ना.
क्या वो कोई साथी को रेलवे में कोई मदद कर सकता हो भाई की हमारी आपकी क्या डायरेक्टर है मेरे जानकार है उनको बोलो नंबर आप सेंड कर दें कोई दिक्कत नहीं संपर्क कर लेंगे हैं कौन जिन भाई साहब को चाहिए वो नंबर मैंने सेंड किया ओम प्रकाश के नाम से मुझे अपना डिटेल भेज देंगे टिकट कंफर्म में करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर क्या बात है क्या बात है थैंक यू सर थैंक यू ओम प्रकाश जी होम मिनिस्ट्री में सारी चल थैंक यू सर आप सभी साथी लोग देख पा रहे हैं कि देखिए कितने कितने आसानी से कितनी बड़ी समस्या सॉल्व हो जा रही है वी द पीपल के मंच पर तो ये सोचिए अभी तो मात्र हम 50 के आसपास अभी जुड़े हैं इस टाइम तब ये समस्या सॉल्व हो रही है और हम हजारों लाखों की संख्या में जुड़े होंगे तो आप सोचिए कितने से कितनी बड़ी संख्या मिनटों और सेकंडों में सॉल्व हो जाएगी तो यही वी द पीपल की ताकत है इसलिए हमें जोड़ना है जुड़ना है और वी द पीपल को आगे बढ़ाना है साथियों लोग सर अगले सैंपल अगले नेक्स्ट ईयर तक 1 करोड़ लोग जोड़ के दिखाएंगे सर वी द पीपल में सब लोग मिलके आप जैसे साथी हमारे साथ होंगे तो 100% सर हम लक्ष्य को अचीव करेंगे धन्यवाद 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 थैंक यू ये आईफोन से हमारे बीच में साथी जुड़े हैं तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा आईफोन से ओम प्रकाश जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा सत्यवान बोल रहा हूँ ओम प्रकाश जी कौन से डायरेक्टर का नंबर देना चाहेंगे बताएंगे आप थोड़ा है सर मेरे चार है और मेरा वो भी है क्या बोलते हैं अपना चेयरमैन अभी बने राजन जी बने ना तो उनसे भी मेरे संपर्क कोई दिक्कत इनको बोल दूंगा मैं क्योंकि करमवीर आपको करमवीर नहीं करमवीर नागर जी है ना वो भी ग्रुप में है मैं इसलिए पूछ इनसे पूछ रहा था और भी आपके मेरे और भी डायरेक्टर है 5-10 डायरेक्टर है मेरे को चिंता कर रहे हैं अरे सर आपका नंबर कंफर्म होगा ना अरे आपके अंदर सब है अरे होम मिनिस्ट्री है सर मजाक की बात है मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री होती है किसी को भी बोल सर तो राम सर का गाना ये विजेंद्र जी आपका समझ हैं माननीय तिली राम मोदी जी का दिन का जाएंगे सर आज छोड़ेंगे नहीं हाँ हाँ दिल्ली राम सर का गाना सुना जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सुना जाएगा गाना मुझे दिल्ली जाना है मैंने चंडीगढ़ से टिकट करानी मेरी टिकट नहीं हो रही 2 ट्रेन की टिकट करानी मैं काफी देर से परेशान हूँ 6 बजे से और कब जाना है कब जाना है मैंने कल सुबह जाना सर या कोई रात की हो आज रात की या कल सुबह 9-8 बजे तक की हो सर सर है और आज आपने बहुत अच्छा किया है अब दोबारा से अब कंसेप्ट की मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं है एक्चुअली मैंने इसीलिए किया था मैं दोबारा से भी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं ज्वाइन इसलिए किया था कोई एक ज्वाइन किया हुआ है भाई जिसको जो कुछ बोल रहे थे कि मेरा एग्जाम है और इसको रेलवे की कुछ प्रॉब्लम बोला था वो अभी है क्या वो सर उनकी समस्या समाधान हो रहा है सर हो जाएगा जी होम मिनिस्ट्री वाले बात कर रहे हैं उनसे फोन पर सर मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह जानता हूँ हाँ, अभी उनको आने तो दीजिए हाँ, उनको रियल नहीं उनको करने दीजिए आने दीजिए चलो मैं ये आईफोन से ही जाता है वो पता नहीं क्या जी जी यहाँ नाम जी, अपना जी, नाम लिख लेना आप जी मैं नाम लिख लूंगा मैं लिखवा दूंगा बच्चों से जी 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 वो बच्चे इसको कैरी करते हैं बाकी काफी अच्छा लगता है काफी अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं बड़े अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है 25 परसों मीटिंग है वहाँ राजनिवास मार्ग पर सूचना मिल गई होगी आपको हाँ सूचना मिल गई थी मुझे हाँ प्रयास करना वहाँ पहुँचने का जी 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 बिल्कुल प्रयास करूँगा हाँ मास ग्रुप में मैं मास ग्रुप में 12 में हूँ सर तुलीराम जी नमस्कार नमस्कार नमो बुद्धाय।